रिश्तों में हदें पार करते हैं मेरा एक ऐसा रिश्ता था जिसके लिए मैंने सरहदें पार कर दी बाबा हमेशा खिलाते थे ना

जाओ और बता क्या चल रहा है फिलहाल हम खजूर खा रहे हैं के भाई विक्रम कल से गायब है तुम ये सब कैसे जानते हो सो हु डू यू थिंक कैन डू दिस टू योर ब्रदर अबू जलाल काजा अबू जलाल इंसान नहीं है परछाई है अगर अबू जलाल मिले तो उसकी मार देना बीते नई शिला Stop me. जब भी हम मुश्किल में होते थे हम चिल्ला के उसे बुलाते थे अगर मेरे भाई को कुछ हो आना तो कसम हमारे बाप की तुम्हारे देश को उस दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा कहाँ सुना है कि भाई हम यहाँ से आवाज़ दे और कोसों दूर बैठा आदमी उसे सुन ले आलम तो यह है कि बगल में बैठे इंसान को भी दो बार आवाज लगाओ तो वह सुनेगा खैर बागी थ्री में दो भाइयों की बॉन्डिंग को बेस बनाया गया है जिसमें एक भाई फिजिकली वीक है और वह जब जब अपने भाई को आवाज़ देता है उसका भाई हाजिर हो जाता है एक्शन से भरपूर कहें या फिर कुछ ज़्यादा ही भरपूर बागी थ्री दो भाइयों की कहानी है बागी थ्री आगरा के बैकपुट पर सेट है यह कहानी तो भाइयों की है जिनमें एक भाई रोनी यानी टाइगर श्राफ अपने भाई बिक्रम यानी रितेश देशमुख की परछाई बनकर रहता है हर मुसीबत और हर परेशानी में रोनी बिक्रम की मदद करने कहीं से भी पहुंच जाता है रोनी और बिक्रम के पिता यानी जैकी शराब एक पुलिस अफसर थे एक हादसे में उनकी मौत हो जाती है लेकिन मरने से पहले वह रोनी को कहता है कि हमेशा वह विक्रम की देख करेगा अपने पिता के आखिरी लफ्ज़ों को पत्थर की लकीर की तरह मानते हुए रानी हर कदम पर विक्रम को बचाता है एक दिन विक्रम को पुलिस में भर्ती होने का मौका मिलता है जिसे वह मना कर देता है विक्रम का कहना है कि वह गुंडों के सामने खड़ा तक नहीं हो पाता जबकि रोनी अकेले ही गुंडों की धुलाई कर देता है इसलिए उसे पुलिस में भर्ती होना चाहिए पर रोनी के समझने पर कि उसके ऊपर तैंतीस केस चल रहे हैं जिस वजह से वह पुलिस में भर्ती नहीं हो सकता विक्रम मान जाता है आगरा के जिस एरिया में विक्रम की पोस्टिंग होती है वहाँ आई नाम का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है आई देश के अलग अलग शहरों से फैमिलीज किडनैप करता है और उन्हें सीरिया भेजता है एक दिन विक्रम को आई के अड्डे पर छापामारी करने का ऑर्डर मिलता है वह डर जाता है लेकिन रॉनी के साथ मिलकर वह किडनीप किए गए फैमिली को बचा लेता है अब वह आगरा का कॉब बन चुका है कुछ समय बाद बिक्रम को विदेश मंत्रालय की ओर से सीरिया जाकर किसी मामले की जांच पड़ताल के लिए भेजा जाता है विक्रम सीरिया जाता है लेकिन वह आई पी एल के कहने पर उसे सीरिया के सबसे बड़े आतंकवादी समूह अबू जलाला के आदमी पकड़ लेते हैं वह बिक्रम असली खतरे में है दरअसल अबू जलाला उस आतंकवादी समूह का सरदार है जो फिदायनी हमले करवाकर सीरिया और पूरी दुनिया में दहशत फैला रहा है अब उसे बचाने उसका भाई रोनी सात समंदर पार भारत से सीरिया जाता है उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड और विक्रम के साली सिया निश्रद्धा कपूर भी जाती है विक्रम तक तो पहुंचना रोनी के लिए आसान नहीं है अब फिल्म में देखना यह है कि वह अपने भाई को बचा पाता है या नहीं टाइगर श्राफ रोनी के किरदार में सही लगे हैं उनकी एक्टिंग भी ठीक ठाक रही देखा जाए तो फिल्म में इमोशनल ट्विस्ट लाने की कोशिश जरूर की गई है जो कि कहीं से भी इमोशनल नहीं है तो टाइगर में भी इस इमोशनल एक्सप्रेशन की कमी नज़र आई रितेश देशमुख श्रद्धा कपूर विक्रम के पत्नी रुचि के रोल में अंकिता लोखंडे सभी ने ठीक ठाक एक्टिंग की इनके अलावा विजय शर्मा जयदेव अहलावत ने भी अपने रोल के मुताबिक ठीक ठाक एक्टिंग की है फिल्म का डायरेक्शन पार्ट कमज़ोर रहा कुछ सरल कहानी वाले फिल्मों से अगर तुलना करें तो बागी थ्री को बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता था लेकिन कहीं ना कहीं बागी टू जैसी एक्शन हिट के बाद डायरेक्टर अहमद खान ने बागी थ्री में भी एक्शन को मेन कोर्स बना दिया इस वजह से फिल्म में कई जगह एक्शन का ओवर नज़र आ रहा है आर्मी हेलीकॉप्टर्स टैंकर्स के बीच टाइगर श्राफ का एक्शन सीकेंस बिना वजह के लगे एक्शन ड्रामा बागी थ्री में आपको सिवाय एक्शन एक्शन और एक्शन के और कुछ नहीं मिलेगा फिल्म में भाई भाई के रिलेशन का आपको इमोशनल धोखा मिलेगा हाँ एक्शन के अलावा आपको फिल्म में टाइगर शराब का भी ओवर देखने को मिलेगा ऐसा लगता है जैसे बागी थ्री सिर्फ टाइगर के शोकेस के लिए ही बनाई गई है बागी सीरीज की सफलता से इसके निर्माता इतने उत्साहित हो गए कि चार साल में सीरीज की तीसरी फिल्म आ गई लोकप्रियता का फायदा उठाने के चक्कर में बागी त्रित जल्दबाजी का शिकार नजर आती है यह कुछ ऐसा ही है कि बाज़ार में मांग को देखते हुए फल को पेड़ पर पकने से पहले ही तोड़ लिया जाता है तो उसे फिर स्वाद की उम्मीद कैसे की जा सकती है बागी की सफलता के पीछे इसके एक्शन सीन रहे हैं और बागी थ्री में सिर्फ एक्शन पर ही ध्यान दिया गया है लेकिन एक्शन के बीच जो कहानी रखी गई है वो बहुत ही कमज़ोर है कहानी की नींव कमज़ोर रहने के कारण एक्शन की इमारत टिक नहीं पाती और फिल्म दर्शकों का मनोरंजन नहीं कर पाती घायल में सनी देओल अपने भाई को ढूंढने के लिए निकलते हैं गदर में सनी देओल अकेले पाकिस्तान से टकरा जाते हैं यह बातें आपको बागी थ्री देखते समय याद आ जाती है इन फिल्मों के हाईलाइट पॉइंट्स को किसी तरह जोड़कर बागी थ्री की कहानी तैयार की गई है एक दक्षिण भारतीय फिल्म से भी प्रेरणा ली गई है लेकिन इन फिल्मों में एक्शन के पीछे जो इमोशन और एंटरटेनमेंट था वो बागी थ्री में नदारद है प्रेरणा लेकर भी साजिन नडियाडवाला ढंग की कहानी लिखने में असफल रहे रोनी यानी टाइगर श्राफ अपने बड़े भाई विक्रम यानी रितेश देशमुख से बहुत प्यार करता है मरते समय दोनों के पिता छोटे भाई को बोलते हैं कि बड़े भाई का ख्याल रखना अब ऐसा क्यों क्योंकि बड़ा भाई बहुत ही सीधा साधा और डरपोक किस्म का है विक्रम पुलिस में भर्ती हो जाता है गुंडों से डरता है लेकिन छोटा भाई रोनी गुंडों की ढुलाई करता है और नाम विक्रम का होता है सरकार खुश होकर विक्रम को एक मिशन के तहत सीरिया पहुँचाती है विक्रम का अपहरण हो जाता है अपराहड़ करता बहुत ही खतरनाक लोग हैं वे नहीं जानते हैं कि उन्होंने रोनी से पंगा लिया है रोनी फौरन सीरिया के लिए रवाना होता है रोनी का एक ही मिशन है कि किसी भी तरह अपने भाई को छुड़ाना जो भी रानी और विक्रम के बीच आएगा वह उसे खत्म कर देगा अपने भाई को सुरक्षित वापस लाने के लिए रोनी तबाही मचा देता है फिल्म की शुरुआत इक्टीस के दशक की फिल्मों की तरह होती है बचपन की मारामारी दिखाई जाती है फिर बच्चे बड़े होते हैं रितेश देशमुख ने सीधा साधा देखने के लिए जिस तरह की एक्टिंग की है वो बहुत ही बचकानी है कुछ ज्यादा ही कोशिश उन्होंने कर दी है जिससे विश्वसनीयता खत्म हो जाती है भाईचारा इंटरल तक खींच गया है और यह बेहद बोरिंग है रानी के सीरिया पहुंचने तक लेखक और निर्देशक के पास दिखाने को कुछ नहीं था और कहानी आउटर में खड़ी रेलगाड़ी की तरह रुकी हुई लगती है रानी अब सीरिया पहुंचता है जो फिल्म में थोड़ी स्पीड आती है क्योंकि एक्शन ड्राइविंग सीट पर आता है लेकिन लॉजिक के अभाव में ये भी ज़्यादा प्रभावित नहीं करता सीरिया पहुंचकर रॉनी रोनी जिस आसानी से अपने भाई को खोज लेता है उसमें बिल्कुल रोमांच नहीं है सब कुछ आसानी से हो जाता है रोनी अकेला ही सैकड़ों से भिड़ जाता है हजारों गोलियां हेलीकॉप्टर टैंक गोला बारूद मशीन गन उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते एक्शन को इतना ओवरडोज कर दिया गया है कि मजा ही नहीं रह जाता फिल्म के बिलन भी पावरफुल नहीं लगते इसलिए रानी की उनसे टक्कर एकदम फेंकी लगी है सीरिया के विक्रम को उठा ले जाने वाली बात बिल्कुल भी नहीं जमती पहले आम में एक्शन सीन कम है और इससे एक्शन देखने आए दर्शकों को थोड़ी निराशा होती है कॉमेडी सीन और गाने ब्रेक का काम करते हैं क्लाइमैक्स का एक्शन भी बांध कर रखता है बागी थ्री देखते समय यह बात बार बार महसूस होती है कि फिल्म बहुत लंबी है और यह फीलिंग फिल्म के लिए अच्छी बात नहीं है फिल्म के संवादों में दम नहीं है श्रद्धा कपूर द्वारा बोले गए संवाद को अत्यंत घटिया माना जा सकता है गानों के मामले में फिल्म कंगाल है और पुराने हित गानों का सहारा लिया गया है एक्शन सीन फिल्म का प्लस पॉइंट है और इसमें अच्छा खासा पैसा भी खर्च किया गया है निर्देशक अहमद खान को बड़ा शटअप और स्टार्स मिले लेकिन वे उनका पूरा उपयोग नहीं कर पाए वे फिल्म को मनोरंजक नहीं बना पाए और न ही इमोशंस ही पैदा कर पाए आधे से ज़्यादा काम एक्शन डायरेक्टर्स ने किया है हिंदू मुस्लिम भाई भाई और हिंदुस्तानी पाकिस्तानी एक जैसे होते हैं वाली बातें फिल्म में फिट नहीं बैठती हैं टाइगर श्राफ एक्शन सीन में जबरदस्त रहे हैं लेकिन इमोशंस में पीछे रह जाते हैं जब जब उनके एक्शन सीन स्क्रीन पर आते हैं फिल्म की पकड़ मजबूत हो जाती है श्रद्धा कपूर का रोल ख़राब तरीके से लिखा गया है और उनका अभिनय औसत रहा है रितेश देशमुख नकली लगे हैं जयदीप अहलावत की एक्टिंग बढ़िया है विजय वर्मा ने और एक्टिंग की है दिशा पाठ ने एक गाने और जैकि शराब चंद दृश्य में दिखाई दिए हैं बागी थ्री में चंद बढ़िया एक्शन सीन देखने की कीमत बहुत सारे उबाऊ सीन देख चुकानी पड़ती है और यह बहुत ज़्यादा है यह सच है कि हिंदी फिल्मों में एक्शन की तूती बोलती है और आमतौर पर किसी बदले की भावना या करीबी रिश्ते के लिए फिल्मी पर्दे पर मार धाड़ करते हीरो द्वारा जब बिलन या गुंडों की धुलाई होती है तो ऑडियंस खूब एंजॉय करती है निर्देशक अहमद खान ने भी भाई को बचाने वाले और दहशत गर्दी के खिलाफ खड़े होने वाले हीरो के जरिए हैरत जैक्न का नजराना पेश किया गया है मगर थोड़ी सी कहानी पर मेहनत हो जाती तो बात ही कुछ और थी दंगों में आम लोगों को बचाने के चक्कर में अपनी जान की बाजी लगाकर शहीद हो चुका इंस्पेक्टर चतुर्वेदी यानी जैकी शराफ मरते हुए अपने बेटे रोनी यानी टाइगर श्राफ पर अपने छोटे बेटे विक्रम यानी देश बिक्रमित देशमुख की जिम्मेदारी सौंप कर जाता है बस उसके बाद हालात ऐसे होते हैं कि जब भी विक्रम पर कोई तिरछी निगाह डालता है रोनी का खून खोल उठता है और वह सामने वाले की हड्डी पसली एक कर देता है भाई के भविष्य को संवारने के लिए रॉनी आगरा में उसे पुलिस की नौकरी करने को प्रेरित करता है वहाँ वह ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जाल को तोड़ने में बिक्रम की मदद भी करता है इस ग्रोह से कई लोगों को छुड़ाने वाला बिक्रम विभाग का हीरो बन जाता है और उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के असली सरगना को पकड़ने के लिए सीरिया भेजा जाता है सीरिया में खुखार दहशत गर्ग अबू जलाल गाजा यानी जमील खोरी विक्रम को बंदी बना लेता है तब रोनी अपनी मासूका श्रद्धा कपूर के साथ सीरिया आधमकता है उसे अपने भाई को किसी भी हाल में बचाना है निर्देशक अहमद खान ने पूरी कोशिश की है कि इसमें एक्शन का डोज बागी टू से ज़्यादा स्ट्रांग हो और इसके लिए उन्होंने मारधाड़ के दृश्यों को दमदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है मॉल या रास्ते के आम फाइट सीन हो या हेलीकॉप्टर अथवा सेना के टैंक के बीच का एक्शन सब कुछ हॉलीवुड फिल्म जैसा लगता है मगर स्टोरी और स्क्रीन प्ले के मामले में वे मार खा गए हैं श्रद्धा कपूर के किरदार के जरिए कॉमेडी तो रितेश के माध्यम से इमोशन पर तड़का लगाया गया है कई दृश्य फनी हैं जो हंसाते भी हैं मगर फिल्म में एट्टी नाइनटीन के दशक की रिवेंज फिल्म, फिल्मों का फेल फिल्म बना रहता है क्लाइमैक्स के एक्शन सीक्वेंस सांस रोक देते हैं मगर वह काफ़ी खींच गया है और उसमें मोलोड्रामा भी कम नहीं है फिल्म की लंबाई कम की जा सकती थी संताना कृष्णानंदन रविचंद्रन की सिनेमाटोग्राफी देखने लायक है विचाल शेखर के संगीत में दस बहाने करके ले गए दिल खूब पसंद किया जा रहा है रेडियो मिर्ची के टॉप ट्वेंटी की लिस्ट में यह गाना पाँचवें पायदान पर बज रहा था अन्य गाने बस ठीक ठाक से हैं आइटम सॉन्ग डू मी में दिशा पटानी ने गजब के डांस मूव्स दिखाए हैं रोनी के रोल में टाइगर हर तरह से फिट हैं मसल्स और टोन्स बॉडी के साथ जब वह सॉर्टलेस होकर एंट्री मारते हैं तो ऑडियंस सीटी बजाने लगती है वन वन आर्मी के रूम में सीरिया जाकर जैस ए लश्कर जैसे आतंकवादियों को धूल चटाते हुए कंसन लगे हैं उनकी संवाद अदायगी में भी सुधार हुआ है श्रद्धा खूबसूरत और ग्लैमरस लगी हैं उन्होंने कॉमेडी भी की है मगर उन्हें स्क्रीन पर कुछ ज़्यादा करने का मौका नहीं मिला रितेश ने भोले भाले और डरपोक लड़के का रोल तो अच्छा किया मगर कहानी के चरित्र को सही ढंग से बुना नहीं गया अंकिता लोखंडे की भूमिका को भी विस्तार नहीं दिया गया मुख्य बिलन अबू जलाल के रूम में जमील खोरी फनी और ख़तरनाक लगे हैं मगर दूसरे बिलन जम नहीं पाए विजय वर्मा और जयदीप अहलावत ने अपने किरदारों को ठीक ठाक निभाया है टाइगर श्राफ जब सफलता के लिए तरस रहे थे तो बागी उनके लिए बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस फार्मूला लेकर आई थोड़ा रोमांस कुछ अच्छे वन लाइनर हिट होने वाले गाने दर्शकों को लुभाने वाला डांस और दम रोककर देखने वाला एक्शन बागी के बाद बागी टू बॉक्स ऑफिस पर और शानदार रही और अब वह बागी थ्री के साथ आए हैं वही सेट चीज़ों के साथ ट्रेलर में उनका एक्शन देखकर इससे फैन ने ब्लॉक बास्टर करार दिया था तड़का दिशा पाटनी के आइटम नंबर से भी लिया गया था तभी बागी तीन से बीस करोड़ के ऊपर की ओपनिंग की उम्मीद लगाई जा रही थी तो क्या टाइगर श्राफ

कोशिश की गई है लेकिन आप चह कर भी हंस नहीं पाते श्रद्धा कपूर को बबली कैरेक्टर दिया गया है लेकिन खूबसूरत दिखने के बावजूद कुछ ऐसा जिससे उनका किरदार पर्दे पर सहज नहीं लगता वही इसी के साथ सीरिया में भी एक पैरेलल ट्रैक चल रहा है इससे सेकंड हाफ के मजबूत होने का इशारा मिलता है विक्रम को एक मिशन के तहत सीरिया भेजा जाता है लेकिन वहाँ भी वह फंस जाता है जब रोनी को सीरिया जाकर अपने भाई को बचाता है और यहाँ दर्शक सिटी ओबाऊ एक्शन सीन पर्दे पर देखते हैं टाइगर श्राफ इस समय बॉलीवुड में सबसे अच्छी बॉडी और बेहतरीन स्टंट करने वाले हीरो हैं डायरेक्टर अहमद खान ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए बागी थ्री बनाई टाइगर का स्वैग उनका डांस उनकी बॉडी उनका एक्शन बस यही बागी थ्री है अहमद खान ने अच्छा एक्शन डिजाइन किया है लेकिन कैमरा वर्क उतना शानदार ना होने से ये उम्मीद के मुताबिक प्रभावी नहीं बन पाया है टाइगर के लुक्स बॉडी और एक्शन में खुद को बहुत ग्रूम किया है लेकिन इमोशनल सीन में वह अभी पहली फिल्म जैसे ही हैं यही वजह है कि लोग उनके गुस्से और एक्शन को रिलेट नहीं कर पाते श्रद्धा कपूर के पास ज़्यादा स्क्रीन स्पेस इस नहीं है तो उन्होंने फैंस गानों में उनकी अदाएँ देखकर खुश हो सकते हैं रितेश देशमुख का कैरेक्टर इतना स्लो मैन क्यों है इसका जवाब भी फिल्म की कहानी नहीं दे पाती लिहाजा उनके रिएक्शन को दर्शक पहचान नहीं पा रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी कमी है कमज़ोर स्क्रिप्ट जिसमें एक्शन सीन छोड़ दिए जाएँ तो बाकी वक्त कुर्सी पर टिक कर बैठना मुश्किल हो जाता है दो पुराने और एक इंटरनेशनल रिमिक्स बावजूद इसके बागी थ्री के गाने पर्दे पर निराश करते हैं गनीमत यही है कि इसमें बहुत ज़्यादा गाने ठूसे नहीं गए हैं वरना दर्शकों को एक राउंड पॉपकॉर्न खरीदने का टाइम आसानी से मिल जाता हाँ दिशा पट दिसा पटानी का हार्ट अवतार जरूर ध्यान खींचता है कुल मिलाकर अगर आप जबरदस्त एक्शन के साथ मॉस्ट एंटरटेनर अपील वाली फिल्म देखना चाहते हैं तो बागी थ्री आपको प्रभावित ना करे तो निराश भी नहीं करेगी टाइगर श्राफ और श्रद्धा कपूर एक बार फिर से बागी सीरीज लेकर आए थे बागी थ्री को देखने के लिए फैंस काफ़ी एक्साइटेड थे कहा जा रहा था कि देश दुनिया में फैली कोरोना वायरस की बीमारी से बागी थ्री भी इफेक्ट हो सकती थी हो सकता है कि इस डर से सिनेमाघरों में लोग फिल्म को देखने भी ना आए लेकिन टाइगर के फैंस लगातार इस फिल्म को देखने के लिए पहुंचे थे फिल्म के प्लॉट की अगर बात करें तो टाइगर और रितेश दो भाई हैं फिल्म में रितेश देशमुख बेहद अहम भूमिका में होंगे रितेश टाइगर के भोले भाले भाई की भूमिका में हैं। जिसे कभी भी कोई कुछ कह दे तो दर्द टाइगर को होता है ट्रेलर में दिखाया गया है कि एक बार भाई को कोई थप्पड़ मारता है उसके बाद टाइगर गुंडों का बहुत बुरा हाल करते हैं वही एक वक्त ऐसा आता है जब भाई को सीरिया जाना पड़ता है काम से इस बीच कुछ ऐसा होता है कि भाई कभी वापस देश नहीं लौटता वही टाइगर अपने भाई को ढूंढने और बचाने निकल पड़ता है फिल्म में टाइगर श्राफ ने मैन टू मैन लड़ते भिड़ते दिखेंगे वही मशीनों और नेचर से भी टाइगर की तगड़ी टक्कर होगी टाइगर एक इंटरव्यू में बताते थे कि इस फिल्म में वह इंसान के अलावा हेलीकॉप्टर और टैंक से भी लड़ रहे हैं ट्रेलर में फाइटिंग और एक्शन सीन्स दिखाए गए उनमें से ज़्यादातर लाइव किए गए बहुत कम ऐसे सीन्स हैं जिनमें बेफेक्स का इस्तेमाल हुआ है बाकी थ्री में ऐसे कई तरह के झोल हैं और इसी वजह से इसका जज्बाती पहलू कमज़ोर हो गया दूसरे शब्दों में कहे तो फिल्म में मारपीट और धूम धड़ाम से तो ज़बरदस्त है लेकिन दिल को छू लेने वाले लम्हे कम हैं फिल्म पूरी तरह से टाइगर शराब के कंधे पर टिकी है रानी के रूम में टाइगर कुछ कुछ सलमान खान वाले किरदार टाइगर की तरह दिखते हैं यानी उनका एक्शन पर पूरी तरह से टाइगर नहीं बल्कि सलमान खान हावी रहे हैं सीरिया में मुख्य खलनायक की भूमिका इसराइली कलाकार जमील खैर ने निभाई है और उसमें एक खास किस्म का ड्राउनापन है इस फिल्म में भारतीय में खलनायक की भूमिका में जयदीप अहलावत हैं उनका किरदार रहस्य में लिपटा हुआ है वह रहस्य देर से उजागर होता है धांसू किस्म की एक्शन फिल्म है टाइगर श्राफ एक दमदार एक्शन हीरो के रूप में पहले ही उभर चुके हैं इस नई फिल्म में से वे इस पहलू को एक और बुलंदी पर ले गए थे और तीन तीन खलनायकों को ढूल चटाते नजर आते हैं इनमें से दो तो विदेशी हैं और एक देशी इस फिल्म में कई सारे इमोशन सीन में टाइगर श्राफ कहीं ज़्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं रितेश देशमुख एक समर्थ अभिनेता हैं वह अपनी जगह हर कहीं तलाश कर लेते हैं विक्रम के किरदार में उनसे बेहतर कुछ नहीं हो सकता तरल आदर्श ने टाइगर श्राफ की फिल्म को देखने के बाद फिल्म की काफी तारीफ की है फिल्म को साढ़े तीन स्टार्स मिले हैं वन आर्ड रिब्यू में फिल्म को एंटरटेनर कहा गया है फैंस कह रहे थे कि फिल्म धमाकेदार एक्शन वाली फिल्म है कई लोग अपील कर रहे थे कि जिन्हें एक्शन पसंद है वह बागी थ्री ना छोड़े और एक फैन बोलता है फिल्म कम से कम 250 करोड़ कमा लेगी श्रद्धा कपूर ने एक बागी थ्री को लेकर एक ट्वीट शेयर किया था श्रद्धा लेने श्रद्धा ने लिखा था बागी के साथ बहुत ही खूबसूरत झरना है मेरी लेकिन अभी लड़ाई लड़नी बाकी है एक्शन पैक्स बागी थ्री सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है गलीबाई से लोकप्रिय हुए अभिनेता विजय वर्मा का दावा है कि बागी थ्री में उनका किरदार देख दर्शक चौंक जाएंगे टाइगर श्राफ और श्रद्धा कपूर स्टार फिल्म में अपने किरदार को लेकर वर्मा ने कहा मेरा किरदार एक ऐसे व्यक्ति का है जो टाइगर को उनके भाई से मिलाने में मदद करता है यह किरदार काफ़ी दिलचस्प है जिससे दर्शक चौंक सकते हैं टाइगर और श्रद्धा की पहली फिल्म बागी ने 11 करोड़ रुपए की कमाई की थी और 78 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था दिशा पटानी ने बागीटू में टाइगर के साथ एंट्री की जिसने की पहले दिन 25 करोड़ रुपए की कमाई की और कुल एक रुपए का एक करोड़ रुपए का कारोबार किया था ट्रेलर को भी दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया था टाइगर का एक्शन और उनका रिएक्शन देखकर फैंस क्रेजी हो रहे थे वही टाइगर की डायलॉग डिलीवरी भी जबरदस्त है फिल्म बागी टू के बाद से ही बागी थ्री का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था बागी थ्री ने तानाजी को पीछे छोड़ दिया था टाइगर की फिल्म की एडवांस बुकिंग धड़ाधड़ कहा जा रहा है कहा जा रहा था कि टाइगर की फिल्म को लेकर लोग इतने एक्साइटेड थे कि एडवांस बुकिंग धड़ाधड़ धड़ा हो रही थी कई एनालिस्ट के मुताबिक तानाजी का रिकॉर्ड बागी थी तोड़ सकती थी कोमल नहटन ने ट्वीट कर कहा था कि यूपी दिल्ली में ऐसे कई सिनेमाघर थे जहां बागी थ्री परफॉर्म नहीं कर पाएगी इस वजह अक्षय कुमार और सलमान खान हो सकते हैं बागी थ्री टाइगर श्राफ की सुपरहिट फ्रेंचाइजी है जिसका एक्शन हर बार नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है लेकिन कहानी उसके साथ एक लेवल नीचे आ जाती है ऐसा ही कुछ अहमद खान के डायरेक्शन वाली बागी थ्री के लिए भी कहा जा सकता है टाइगर श्राफ श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख की फिल्म में एक्शन जहाँ जबरदस्त अंदाज में नजर आता है वही कहानी ने फिल्म की जान ही निकाल कर रख दी है टाइगर श्राफ का खतरनाक अंदाज श्रद्धा कपूर का ग्लैमरस लुक और रितेश देशमुख का डर भरा चेहरे के साथ ताबड़तोड़ एक्शन यही बागी थ्री की जमा पूंजी है बागी थ्री की कहानी यार रानी यानी टाइगर श्राफ और उसके भाई विक्रम यानी रितेश देशमुखी है रोनी बेशक उम्र में छोटा है लेकिन वह विक्रम का रक्षक है विक्रम को खनोज भी आए तो रोनी सामने वाले के खून की नदियाँ बहा देता है एक दिन जिंदगी में कुछ ऐसा यू तूफान आता है कि रानी को विक्रम को बचाने के लिए सीरिया जाना पड़ता है और यहाँ उसका मुकाबला किसी एक दुश्मन नहीं बल्कि एक देश के साथ है इस तरह डायरेक्टर ने एक्शन का तूफान लाने की कोशिश की है अहमद खान ने टाइगर की शानदार बॉडी हैरत अंगेज स्टंट और बेजोड़ फाइटिंग का जबरदस्त कॉकटेल पेश किया है लेकिन इस चक्कर में वह कहानी का नमक फिल्म में सही से डालने में चौक गए और यही बात फिल्म के लिए सबसे कमज़ोर बनकर सामने आती है हालांकि एक्शन देखकर भी कई हॉलीवुड फिल्म की याद आ जाती है बागी थ्री में एक्टिंग की बात करें तो टाइगर श्राफ एक्शन किंग है वार और बागीटों में अपने हाथ अच्छी तरह से दिखा चुके हैं इस बार भी वह जोरदार एक्शन अंदाज में हैं और रानी के सिक्स पैक्स एप्स चेहरे पर किसी को भी चटाते समय कोई भाव न आना फिल्म में उनकी खासियत है लेकिन कमजोर डायलॉग्स और कहानी सारे किए गए किराए पर पानी फेर देते हैं श्रद्धा कपूर के लिए कुछ एक्सपेसनल नहीं है जितना काम उन्हें मिला है सही से किया है रितेश देशमुख भी ओके हैं और कुछ भी यादगार नहीं कर पाते बागी थ्री का म्यूजिक एवरेज है कहानी कमजोर है डायलॉग भी बेहद बचकाने हैं इस तरह बागी थ्री में अगर कुछ देखने वाला है तो वह सिर्फ टाइगर श्राफ के एक्शन है और उनके एक्शन को लेकर ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग भी है फॉक्स स्टार स्टूडियोज़ की कमान भले अब डिज्नी के हाथों में आ गई हो लेकिन इस फेरबदल के पहले कंपनी में फिक्स हो चुकी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर पहुंचना जारी है साजिद नडियाडवाला ने एक कहानी सोची फरहाद सामजी ने उस पर एक बेसिर पैर की पटकथा लिख दी और फॉक्स स्टार ने साजिद की चाबी से अपनी तिजोरी खोल दी बस बागी सीरीज की ए, तीसरी फिल्म बस इतनी ही है कोरियोग्राफर से फिल्म निर्देशक बने अहमद खान भले अपने इंटरव्यू में कह चुके हों कि उनके रचे एक्शन में जान है लेकिन एक्शन का दर्शक क्या है क्या करे जब फिल्म में भी जान नहीं है भारतीय संस्कृत में बड़े भाई का जो दर्जा रहा है वह हिंदी सिनेमा में भी अब तक अपनाया ही है यहाँ इसका उल्टा है बड़ा भाई तो भले पुलिस अफसर लेकिन मुसीबत आती है तो छोटा भाई अब बचाने उसे पहुंच जाता है बात दर्शकों को हजम नहीं होती अपनी धरती पर तो छोटा भाई बड़े को बचाता ही रहता है पर सीरिया भी पहुंच जाता है आतंकवादियों की पूरी फौज से लोहा लेने भाई भाई के प्रेम पर हिंदी सिनेमा में सैकड़ों फिल्में बनी हैं लेकिन ये फिल्म किसी गिनती में नहीं आती रणबीर प्रताप और विक्रम प्रताप की इस कहानी की नायिका का नाम लेखकों की टीम ने सिया रखा है क्यों वही जाने क्योंकि सिया फिल्म में ना भी हो तो कहानी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला हिंदी सिनेमा में टाइगर श्राफ पिछले छः साल से दो घर आगे चार घर पीछे वाली चाल चल रहे हैं बागी हिट होती है तो फ्लाइंग जट और मुन्ना माइकल उनकी ब्रांड वैल्यू धो देती है बागी टू हिट हुई तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू ने उनका हिसाब बिगाड़ दिया इस बार बागी थ्री की रिलीज हो जाने से पहले ही वार हिट हो गई और फ्लाप फ्लाप वाले घर में बागी थ्री पहुँच गई करीब सत्तर करोड़ रुपए में बनी बागी थ्री अकेले भारत में करीब साढ़े चार हज़ार स्क्रीन पर शुक्रवार की सुबह से दिखाई जा रही थी लिहाजा ओपनिंग तो लगनी ही थी लेकिन इतवार के बाद फिल्म का हाल बेहाल हो सकता था फिल्म की सबसे कमज़ोर कड़ी इसकी कहानी है जो आठ साल पहले रिलीज हुई तमिल फिल्म वेट्टाई से ली गई है साजिद ने इस देसी कहानी का एक सिरा लेकर जाकर सीरिया से बांधा और वही फिल्म का लोकल कनेक्ट खत्म हो गया निर्देशक के मामले में भी फिल्म काफ़ी कमज़ोर है अहमद खान फिल्म के किसी भी किरदार को कायदे से गढ़ नहीं पाए हैं टाइगर श्राफ पूरी फिल्म में इतना चेकते चिल्लाते हैं कि इस दुनिया के लगते ही नहीं रितेश देशमुख फिल्म की कथा प्रतिक्रिया को उत्प्रेरक के तौर पर रखे गए और सब उतना ही काम से करते हैं श्रद्धा कपूर का इस तरह से रोल करना उनके करियर को कोई फ़ायदा पहुंचाता नहीं दिखता है हाँ जमील खौरी की मौजूदगी पर्दे पर खौफ कायम करने में कामयाब होती है लचर कहानी निशाने से भटके निर्देशन के अलावा फिल्म का गीत संगीत भी दर्शकों को बोर करता है रिमिक्स गाने डाल डालकर फिल्म निर्माता भले यूट्यूब पर इन गानों के व्यूज पा लेते हैं लेकिन फिल्म में गाने अब दर्शक को खटकने लगे हैं फिल्म के एक्शन सीन भी अहमद खान नहीं गढ़े हैं बस यही एक काम वाकई से कर पाए हैं हालांकि ज्यादातर एक्शन सीन्स किसी ना किसी हॉलीवुड फिल्म की याद दिलाते रहते हैं अमर उजाला मूवी रिव्यू में बागी थ्री को मिले थे तीन स्टार ये फिल्म सिर्फ उन लोगों के लिए है जो टाइगर शराफ के भक्त हैं टाइगर श्राफ को इंडस्ट्री में आए हुए महज छः साल हुए थे लेकिन उन्होंने अपने खतरनाक एक्शन डांस और अभिनय से बॉलीवुड में एक अलग मुकाम हासिल कर लिया था टाइगर की बागी फ्रेंचाइजी को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया गया इस फ्रेंचाइजी के पहले भाग बागी ने इसके दूसरे भाग बागी को बनाने के लिए प्रेरित किया बागी जबरदस्त हिट हुई और इसने बॉक्स ऑफिस इस पर एक करोड़ रुपए की कमाई की और इसके बाद मेकर्स ने बागी थ्री लाने का फैसला किया बागी थ्री में मेकर्स में एक्शन और विजुअल्स का स्तर काफी ऊंचा रखा उस हफ्ते रिलीज हुई बागी थ्री के दर्शकों को मनोरंजन करने में कामयाब हुई थी या अपने प्रयास में विफल रही थी आइए जानते हैं बागी थ्री एक आतंकवादी संगठन के खिलाफ एक आदमी की कहानी है रोनी ने टाइगर श्राफ विक्रम एनि रितेश देशमुख का एक छोटा भाई है उसके पिता चरल चतुर्वेदी यानी जैकी शराब पुलिस में थे जो कि मर चुके हैं चरण को पता है कि रोनी उसके दोनों बेटों से ज़्यादा बहादुर है इसलिए वह विक्रम का ख्याल रखने के लिए रोनी से वादा लेता है दोनों बड़े होते हैं विक्रम पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेता है और उसकी पोस्टिंग आगरा में लोहा मंडी पुलिस स्टेशन में होती है अपनी ड्यूटी के पहले दिन बाजवा नामक एक गुंडे ने लोहा मंडी पुलिस स्टेशन परिसर के अंदर एक व्यक्ति को आग लगा दी थी बाजवा ने वरिष्ठ आईपीएल पी एल यानी जयदीप अहलावा सामने आकर दोषी को बचा ले जाता है और पुलिस भी कोई केस फाइल नहीं करती है ऐसा इसलिए क्योंकि आईपीएल एक स्थानीय लोगों के साथ साथ पुलिस पर भी खौफ है आई पी एल का मुख्य व्यवसाय पूरे परिवारों का अपहरण करना है लेकिन वह फिरौती नहीं मांगता है इसमें इसने हमेशा पुलिस को चमका चम चकमा दिया है पुलिस को पता नहीं है कि आई पी एल दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन जैसे लश्कर के नेता अबू जलाल गाजा के लिए काम करता है वे सीरिया से बाहर काम करते हैं और लगभग पूरे देश में अपना कब्जा जमा चुके हैं आगरा में लोहा मंडी पुलिस स्टेशन में अपहरण की शिकायत दर्ज होती है लेकिन वह कार्रवाई करने से डरते हैं इसलिए विक्रम को बलि का बकरा बनाने का फैसला करते हैं विक्रम घबरा जाता है और वह रोनी से मदद मांगता है रोनी आईपीएल की फैक्ट्री में विक्रम के साथ जाता है जहाँ अपहरणकर्ता लोगों को रखा जाता है रोनी आई के गुंडों को रोशनी बंद करके परेशान करता है हर कोई मानता है कि उन्हें पीटने और बंधकों को बचाने के लिए विक्रम जिम्मेदार है वह रातों रात हीरो बन जाता है विक्रम इस बीच रुचि अंकिता लोखंडे से शादी कर लेता है उसकी बहन सिया ने श्रद्धा कपूर है रोनी को डेट करना चाहती है जब तक विदेश मंत्रालय विक्रम को सीरिया नहीं भेजता तब तक जीवन अच्छा चल रहा है विक्रम पर आईपीएल को गिरफ्तार करने और उनके प्रत्यार्पण की प्रक्रिया को आसान बनाने की जिम्मेदारी दी है यह काफी आसान काम लगता है विक्रम वहाँ पहुँचता है लेकिन यहाँ उसे अबू के आदमी उसका अपहरण कर लेते हैं कोई विकल्प ना होने के कारण रोनी अब सीरिया जाने का फैसला करता है इसके बाद आगे क्या होता है यह आगे की फिल्म को देखने के बाद पता चलता है बाकी थ्री आंशिक रूप से 2012 की तमिल हिट फिल्म बेटाई से प्रेरित है साजिन नडियाडवाला की कहानी मनोरंजक है लेकिन एक कमजोर कथानक पर टिकी है सामजी की पटकथा केवल फर्स्ट हाफ में प्रभावी है एक्शन और स्थिति के लिहाज से फिल्म में थोड़ा नयापन है और यह दिलचस्पी को बनाए रखता है फरहा सामजी ने संवाद बहुत ही मनोरंजक और मजाक किया है अहमद खान का निर्देशन औसत है यह वह इस पैमाने की फिल्म को बहुत ही बारीकी के साथ हैंडल करते हैं बागी ने राष्ट्रवाद पर अधिक ध्यान केंद्रित किया लेकिन यह ऐसा नहीं है लेकिन इसमें भारत पाकिस्तान भाईचारे पर एक अच्छी टिप्पणी की गई है निर्देशक ने फिल्म की गति को अपने कंट्रोल में रखा है जिससे जरा भी फिल्म खींची सी नहीं लगे और फर्स्ट हाफ में उनका निर्देशन ठीक है लेकिन सेकंड हाफ में फिसल जाते हैं सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि रोनी ऐसा नहीं लगता कि रोनी किसी देश के खिलाफ है इसके अलावा वह वास्तव में एक देश ही नहीं था बल्कि एक टाउनशिप थी जिसे मेकर्स चाहते हैं कि दर्शक एक देश के रूप में माने बागी थ्री की शुरुआत थोड़ी अजीब होती है बच्चे के रूम में रोनी एक बड़े बच्चे को हीरो में पेटता है जो कि समझ के परे लगता है हालांकि चतुर्वेदी की मौत का सीन एक अच्छा इमोशनल पल लेकर आता है सिया की एंट्री काफी मजेदार है जबकि वयस्क रानी के मज़ेदार सीन हैं जिन्हें फैंस द्वारा पसंद किया गया था अब जलाल गाजा के दृश्य सतही लगते हैं लेकिन शुक्र है कि फर्स्ट हाफ में काफी मज़ेदार हैं फिल्म में ह्यूमर का अच्छा मर का हिस्सा अच्छे से मैनेज किया गया है वह सीन जहाँ आई के पुरुषों ने रानी का अपहरण किया और बाद में जिस तरह से डरने का नाटक किया वह प्रफुल्लित करने वाला है और फिर विक्रम और त्रिपाठी यानी ब्रेन सक्सेना को लेकर एक भावनात्मक सीन सामने आता है इंटरमिशन पॉइंट तब होता है जब विक्रम को ले जाया जाता है इसके बाद लगता है कि अब सेकंड हाफ में कुछ रोमांचक देखने को मिलेगा खासकर रानी सीरिया जाएगा इत्यादि अख्तर लाहौर विजय वर्मा का परिचय भी फिल्म में फन जोड़ता है लेकिन यहाँ से चीजें काफी समस्या परे लगने लगती हैं खासकर जिस तरह से रोनी अबू जलाल की पूरी सेना को आसानी से हरा देता है यदि काफ़ी खतरनाक लगता है लेकिन इतनी आसानी से ख़त्म हो जाता है यह मूर्खतापूर्ण है क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट है जो दर्शकों को पसंद आ सकता है अभिनय की बात करें तो बागी थ्री पूरी तरह से टाइगर श्राफ के मजबूत कंधों पर टिकी हुई है और उम्मीद के मुताबिक वह इसमें जरा भी निराश नहीं करते हैं इसमें उनकी कॉमिक टाइमिंग भी देखने लायक है एक्शन के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं है और इस मामले में उनके फैंस का पूरा पैसा वसूल है श्रद्धा कपूर काफ़ी खूबसूरत लगती हैं और शानदार प्रदर्शन देती हैं वह एक या दो सीन में थोड़ा ओवर लगती हैं लेकिन कुल मिलाकर वह दुर्भाषी भाषा बोलने रोल में एकदम जस्ती हैं हालांकि स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी काफ़ी सीमित है अब क्योंकि यह फिल्म एक आक्रामक किरदार निभा रही है इसलिए आइडल एक्शन सीन में भी हाथ अजमाना चाहिए था रितेश देशमुख अपना किरदार बखूबी निभाते हैं और फिल्म में फन और मंडोस को जोड़ते हैं उन्हें क्लाइमैक्स में काफ़ी पसंद किया गया था और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ऐसा ही रोल अपने मराठी प्रोडक्शन फिल्म मुल्... मौली जो कि 2018 में आई थी में निभाया था अंकिता लोखंडे को लिमिटेड स्कोप मिला है विजय वर्मा बहुत मनोरंजक लगते हैं जयदीप अहलावत पर उनका रोल जचता है और क्लाइमैक्स से ठीक पहले उनका अहम रोल जमील खुरे खलनायक के रूप में जजते हैं लेकिन और अधिक खौफनाक लग सकते थे ऐसे फौजी सौर भरद्वाज मिश्रा बर्बाद हो जाते हैं बीरेंद्र सक्सेना हमेशा की तरह भरोसेमंद लगते हैं सतीश कौशिक कमिश्नर चटोरा और फरहाद शाम जी हंसी लेकर आए हैं मानो गोहिल शिव सर दानिश भट्ट इवान कोस्टा डिन्नीवा सुनीत मोरारजी अमित शर्मा और करट सिंह निष्पक्ष हैं जैकि शराब का कैमिया फिल्म में अच्छा योगदान देता है दिशा पटानी सिजलिंग लगाती हैं बागी थ्री का संगीत अच्छा है दस बहने टू पॉइंट ओ एक बेहतरीन रिमिक्स और अंत क्रेडिट में प्ले किया गया है भंकस अच्छे से फिल्माया गया है डू यू लम मी निष्क्रिय है क्योंकि यहाँ एक ला फास्ट गीत की जरूरत थी गेट रेडी टू फाइट रिलोडेड एक्शन दृश्यों के दौरान प्ले किया गया है तेरे जैसा यार कहाँ काम नहीं करता जूलियस पैकेज का बैकग्राउंड स्कोर हालांकि प्रभाव को बढ़ाता है ऐसा कहाँ सुना है कि भाई हम यहाँ से आवाज दे और कोसों दूर बैठा आदमी उसे सुन ले आलम तो यह है कि बगल में बैठे इंसान को भी दो बार आवाज़ लगाओ तो वह सुनेगा खैर बागी थ्री में दो भाइयों की बॉन्डिंग को बेस बनाया गया है जिसमें एक भाई फिजिकली वीक है और वह जब जब अपने भाई को आवाज़ देता है उसका भाई हाजिर हो जाता है एक्शन से भरपूर कहें या फिर कुछ ज़्यादा ही भरपूर बागी थ्री दो भाइयों की कहानी है बागी थ्री आगरा के बैकपुट पर सेट है यह कहानी तो भाइयों की है जिनमें एक भाई रोनी यानी टाइगर श्राफ अपने भाई बिक्रम यानी रितेश देशमुख की परछाई बनकर रहता है हर मुसीबत और हर परेशानी में रोनी बिक्रम की मदद करने कहीं से भी पहुंच जाता है रोनी और बिक्रम के पिता यानी जेकी श्राफ एक पुलिस ऑफिसर थे एक हादसे में उनकी मौत हो जाती है लेकिन मरने से पहले वह रोनी को कहता है कि हमेशा वह विक्रम की देख करेगा अपने पिता के आखिरी लफ्ज़ों को पत्थर की लकीर की तरह मानते हुए रानी हर कदम पर विक्रम को बचाता है एक दिन विक्रम को पुलिस में भर्ती होने का मौका मिलता है जिसे वह मना कर देता है विक्रम का कहना है कि वह गुंडों के सामने खड़ा तक नहीं हो पाता जबकि रोनी अकेले ही गुंडों की धुलाई कर देता है इसलिए उसे पुलिस में भर्ती होना चाहिए पर रोनी के समझने पर कि उसके ऊपर तैंतीस केस चल रहे हैं जिस वजह से वह पुलिस में भर्ती नहीं हो सकता विक्रम मान जाता है आगरा के जिस एरिया में विक्रम की पोस्टिंग होती है वहाँ आई नाम का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है आई देश के अलग अलग शहरों से फैमिलीज किडनैप करता है और उन्हें सीरिया भेजता है एक दिन विक्रम को आई के अड्डे पर छापामारी करने का ऑर्डर मिलता है वह डर जाता है लेकिन रॉनी के साथ मिलकर वह किडनीप किए गए फैमिली को बचा लेता है अब वह आगरा का कॉप बन चुका है कुछ समय बाद बिक्रम को विदेश मंत्रालय की ओर से सीरिया जाकर किसी मामले की जांच पड़ताल के लिए भेजा जाता है विक्रम सीरिया जाता है लेकिन वहाँ आई पी एल के कहने पर उसे सीरिया के सबसे बड़े आतंकवादी समूह अबू जलाला के आदमी पकड़ लेते हैं वह बिक्रम असली ख़तरे में है दरअसल अबू जलाला उस आतंकवादी समूह का सरदार है जो फिदायनी हमले करवाकर सीरिया और पूरी दुनिया में दहशत फैला रहा है अब उसे बचाने उसका भाई रोनी सात समंदर पार भारत से सीरिया जाता है उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड और विक्रम के साली सिया निश्रद्धा कपूर भी जाती है विक्रम तक तो पहुंचना रोनी के लिए आसान नहीं है अब फिल्म में देखना यह है कि वह अपने भाई को बचा पाता है या नहीं टाइगर श्राफ रानी के किरदार में सही लगे हैं उनकी एक्टिंग भी ठीक ठाक रही देखा जाए तो फिल्म में इमोशनल ट्विस्ट लाने की कोशिश जरूर की गई है जो कि कहीं से भी इमोशनल नहीं है तो टाइगर में भी इस इमोशनल एक्सप्रेशन की कमी नज़र आई रितेश देशमुख श्रद्धा कपूर विक्रम के पत्नी रुचि के रोल में अंकिता लोखंडे सभी ने ठीक ठाक एक्टिंग की इनके अलावा विजय शर्मा जयदेव अहलावत ने भी अपने रोल के मुताबिक ठीक ठाक एक्टिंग की है फिल्म का डायरेक्शन पार्ट कमज़ोर रहा कुछ सरल कहानी वाले फिल्मों से अगर तुलना करें तो बागी थ्री को बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता था लेकिन कहीं ना कहीं बागी टू जैसी एक्शन हिट के बाद डायरेक्टर अहमद खान ने बागी थ्री में भी एक्शन को मेन कोर्स बना दिया इस वजह से फिल्म में कई जगह एक्शन का ओवरडोज नजर आ रहा है आर्मी हेलीकॉप्टर्स टैंकर्स के बीच टाइगर श्राफ का एक्शन सीक्वेंस बिना वजह के लगे एक्शन ड्रामा बागी थ्री में आपको सिवाय एक्शन एक्शन और एक्शन के और कुछ नहीं मिलेगा फिल्म में भाई भाई के रिलेशन का आपको इमोशनल धोखा मिलेगा हाँ एक्शन के अलावा आपको फिल्म में टाइगर शराब का भी ओवर देखने को मिलेगा ऐसा लगता है जैसे बागी थ्रीज सिर्फ टाइगर के शोकेस के लिए ही बनाई गई है बागी सीरीज की सफलता से इसके निर्माता इतने उत्साहित हो गए कि चार साल में सीरीज की तीसरी फिल्म आ गई लोकप्रियता का फायदा उठाने के चक्कर में बागी थ्री जल्दबाजी का शिकार नजर आती है यह कुछ ऐसा ही है कि बाज़ार में मांग को देखते हुए फल को पेड़ पर पकने से पहले ही तोड़ लिया जाता है तो उसे फिर स्वाद की उम्मीद कैसे की जा सकती है बागी की सफलता के पीछे इसके एक्शन सीन रहे हैं और बागी थ्री में सिर्फ एक्शन पर ही ध्यान दिया गया है लेकिन एक्शन के बीच जो कहानी रखी गई है वो बहुत ही कमज़ोर है कहानी की न्यू कमज़ोर रहने के कारण एक्शन की इमारत टिक नहीं पाती और फिल्म दर्शकों का मनोरंजन नहीं कर पाती घायल में सनी देओल अपने भाई को ढूंढने के लिए निकलते हैं गदर में सनी देओल अकेले पाकिस्तान से टकरा जाते हैं यह बातें आपको बागी थ्री देखते समय याद आ जाती है इन फिल्मों के हाईलाइट पॉइंट्स को किसी तरह जोड़कर बागी थ्री की कहानी तैयार की गई है एक दक्षिण भारतीय फिल्म से भी प्रेरणा ली गई है लेकिन इन फिल्मों में एक्शन के पीछे जो इमोशन और एंटरटेनमेंट था वो बागी थ्री में नदारद है प्रेरणा लेकर भी साजिद नडियाडवाला ढंग की कहानी लिखने में असफल रहे रोनी यानी टाइगर श्राफ अपने बड़े भाई विक्रम यानी रितेश देशमुख से बहुत प्यार करता है मरते समय दोनों के पिता छोटे भाई को बोलते हैं कि बड़े भाई का ख्याल रखना अब ऐसा क्यों क्योंकि बड़ा भाई बहुत ही सीधा साधा और डरपोक किस्म का है विक्रम पुलिस में भर्ती हो जाता है गुंडों से डरता है लेकिन छोटा भाई रोनी गुंडों की ढिलाई करता है और नाम विक्रम का होता है सरकार खुश होकर विक्रम को एक मिशन के तहत सीरिया पहुँचाती है बिक्रम का अपहरण हो जाता है अपहरणकर्ता बहुत ही खतरनाक लोग हैं वे नहीं जानते हैं कि उन्होंने रोनी से पंगा लिया है रोनी फौरन सीरिया के लिए रवाना होता है रोनी का एक ही मिशन है कि, कि किसी भी तरह अपने भाई को छुड़ाना जो भी रानी और बिक्रम के बीच आएगा वह उसे खत्म कर देगा अपने भाई को सुरक्षित वापस लाने के लिए रोनी तबाही मचा देता है फिल्म की शुरुआत एट्टीस के दशक की फिल्मों की तरह होती है बचपन की मारामारी दिखाई जाती है फिर बच्चे बड़े होते हैं रितेश देशमुख ने सीधा साधा देखने के लिए जिस तरह की एक्टिंग की है वो बहुत ही बचकानी है कुछ ज़्यादा ही कोशिश उन्होंने कर दी है जिससे विश्वसनीयता खत्म हो जाती है भाईचारा इन तक खींच गया है और यह बेहद बोरिंग है रानी के सीरिया पहुंचने तक लेखक और निर्देशक के पास दिखाने को कुछ नहीं था और कहानी आउटर में खड़ी रेलगाड़ी की तरह रुकी हुई लगती है रोनी अब सीरिया पहुंचता है जो फिल्म में थोड़ी स्पीड आती है क्योंकि एक्शन ड्राइविंग सीट पर आता है लेकिन लॉजिक के अभाव में ये भी ज़्यादा प्रभावित नहीं करता सीरिया पहुँच कर रोनी जिस आसानी से अपने भाई को खोज लेता है उसमें बिल्कुल रोमांच नहीं है सब कुछ आसानी से हो जाता है रोनी अकेला ही सैकड़ों से भिड़ जाता है हजारों गोलियां हेलीकॉप्टर टैंक गोला बारूद मशीन गन उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते एक्शन को इतना ओवरडोज कर दिया गया है कि मजा ही नहीं रह जाता फिल्म के बिलन भी पावरफुल नहीं लगते इसलिए रानी की उनसे टक्कर एकदम फेंकी लगी है सीरिया के विक्रम को उठा ले जाने वाली बात बिल्कुल भी नहीं जमती पहले आम में एक्शन सीन कम है और इससे एक्शन देखने आए दर्शकों को थोड़ी निराशा होती है कॉमेडी सीन और गाने ब्रेक का काम करते हैं क्लाइमैक्स का एक्शन भी बांध कर रखता है बागी थ्री देखते समय यह बात बार बार महसूस होती है कि फिल्म बहुत लंबी है और यह फीलिंग फिल्म के लिए अच्छी बात नहीं है फिल्म के संवादों में दम नहीं है श्रद्धा कपूर द्वारा बोले गए संवाद को अत्यंत घटिया माना जा सकता है गानों के मामले में, में फिल्म कंगाल है और पुराने हित गानों का सहारा लिया गया है एक्शन सीन फिल्म का प्लस पॉइंट है और इनमें अच्छा खासा पैसा भी खर्च किया गया है निर्देशक अहमद खान को बड़ा शटअप और स्टार्स मिले लेकिन वे उनका पूरा उपयोग नहीं कर पाए वे फिल्म को मनोरंजक नहीं बना पाए और न ही इमोशंस ही पैदा कर पाए आधे से ज़्यादा काम एक्शन डायरेक्टर्स ने किया है हिंदू मुस्लिम भाई भाई और हिंदुस्तानी पाकिस्तानी एक जैसे होते हैं वाली बातें फिल्म में फिट नहीं बैठती हैं टाइगर श्राफ एक्शन सीन में ज़बरदस्त रहे हैं लेकिन इमोशंस में पीछे रह जाते हैं जब जब उनके एक्शन सीन स्क्रीन पर आते हैं फिल्म की पकड़ मजबूत हो जाती है श्रद्धा कपूर का रोल ख़राब तरीके से लिखा गया है और उनका अभिनय औसत रहा है रितेश देशमुख नकली लगे हैं जयदीप अहलावत की एक्टिंग बढ़िया है विजय वर्मा ने ओवर एक्टिंग की है दिशा पाठ ने एक गाने और जय की शराब चंद दृश्यों में दिखाई दिए हैं बागी थ्री में चंद बढ़िया एक्शन सीन देखने की कीमत बहुत सारे उबाउ सीन देख चुकानी पड़ती है और यह बहुत ज़्यादा है यह सच है कि हिंदी फिल्मों में एक्शन की तूती बोलती है और आमतौर पर किसी बदले की भावना या करीबी रिश्ते के लिए फ़िल्मी पर्दे पर मार धाड़ करते हीरो द्वारा जब बिलन या गुंडों की धुलाई होती है तो ऑडियंस खूब इंजॉय करती है निर्देशक अहमद खान ने भी भाई को बचाने वाले और दहशत गर्दी के खिलाफ खड़े होने वाले हीरो के जरिए हैरत अंगेजक्सन का नजराना पेश किया गया है मगर थोड़ी सी कहानी पर मेहनत हो जाती तो बात ही कुछ और थी दंगों में आम लोगों को बचाने के चक्कर में अपनी जान की बाजी लगाकर शहीद हो चुका इंस्पेक्टर चतुर्वेदी यानी जैकी शराब मरते हुए अपने बेटे रोनी यानी टाइगर शराब पर अपने छोटे बेटे बिक्रम यानी देश रितेश देशमुख की जिम्मेदारी सौंप कर जाता है बस उसके बाद हालात ऐसे होते हैं कि जब भी विक्रम पर कोई तिरछी निगाह डालता है रोनी का खून खोल उठता है और वह सामने वाले की, की हड्डी पसली एक कर देता है भाई के भविष्य को संवारने के लिए रॉनी आगरा में उसे पुलिस की नौकरी करने को प्रेरित करता है वहाँ वह ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जाल को तोड़ने में बिक्रम की मदद भी करता है इस गिरोह से कई लोगों को छुड़ाने वाला बिक्रम विभाग का हीरो बन जाता है और उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के असली सरगना को पकड़ने के लिए सीरिया भेजा जाता है सीरिया में खुखार दहशत गर्द अबू जलाल गाजा यानी जमील खोरी विक्रम को बंदी बना लेता है तब रॉनी अपनी मासूका श्रद्धा कपूर के साथ सीरिया आधमकता है उसे अपने भाई को किसी भी हाल में बचाना है निर्देशक अहमद खान ने पूरी कोशिश की है कि इसमें एक्शन का डोज बागी टू से ज़्यादा स्ट्रांग हो और इसके लिए उन्होंने मारधाड़ के दृश्यों को दमदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है मॉल या रास्ते के आम फाइट सीन हो या हेलीकॉप्टर अथवा सेना के टैंक के बीच का एक्शन सब कुछ हॉलीवुड फिल्म जैसा लगता है मगर स्टोरी और स्क्रीन प्ले के मामले में वे मार खा गए हैं श्रद्धा कपूर के किरदार के जरिए कॉमेडी तो रितेश के माध्यम से इमोशन पर तड़का लगाया गया है कई दृश्य फनी हैं जो हंसाते भी हैं मगर फिल्म में एट्टी के दशक की रिवेंज फिल्म, फिल्मों का फेल बना रहता है क्लाइमैक्स के एक्शन सीक्वेंस सांस रोक देते हैं मगर वह काफ़ी खींच गया है और उसमें मोलोड्रामा भी कम नहीं है फिल्म की लंबाई कम की जा सकती थी संताना कृष्णानंदन रविचंद्रन की सीनेमाटोग्राफी देखने लायक है विचाल शेखर के संगीत में दस बहाने करके ले दिल खूब पसंद किया जा रहा है रेडियो मिर्ची के टॉप ट्वेंटी की लिस्ट में यह गाना पाँचवें पायदान पर बज रहा था अन्य गाने बस ठीक ठाक से हैं आइटम सॉन्ग मी में दिशा पटानी ने गजब के डांस मूव्स दिखाए हैं रोनी के रोल में टाइगर हर तरह से फिट हैं मसल्स और टोन्स बॉडी के साथ जब वह शॉर्टलिस होकर एंट्री मारते हैं तो ऑडियंस सीटी बजाने लगती है वन वन आर्मी के रूम में सीरिया जाकर जैस ए लश्कर जैसे आतंकवादियों को धूल चटाते हुए कंसिंग लगे हैं उनकी संवाद अदायगी में भी सुधार हुआ है श्रद्धा खूबसूरत और ग्लैमरस लगी हैं उन्होंने कॉमेडी भी की है मगर उन्हें स्क्रीन पर कुछ ज़्यादा करने का मौका नहीं मिला रितेश ने भोले भाले और डरपोक लड़के का रोल तो अच्छा किया मगर कहानी के चरित्र को सही ढंग से बुना नहीं गया अंकिता लोखंडे की भूमिका को भी विस्तार नहीं दिया गया मुख्य बिलन अबू जलाल के रूप में जमील जमीलखोरी फनी और खतरनाक लगे हैं मगर दूसरे बिलन जम नहीं पाए विजय वर्मा और जयदीप अहलावत ने अपने किरदारों को ठीक ठाक निभाया है टाइगर श्राफ जब सफलता के लिए तरस रहे थे तो बागी उनके लिए बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस फार्मूला लेकर आई थोड़ा रोमांस कुछ अच्छे वन लाइनर हिट होने वाले गाने दर्शकों को लुभाने वाला डांस और दम रोककर देखने वाला एक्शन बागी के बाद बागी टू बॉक्स ऑफिस पर और शानदार रही और अब वह बागी थ्री के साथ आए हैं वही सेट चीज़ों के साथ ट्रेलर में उनका एक्शन देखकर इससे फैन ने ब्लॉक बास्टर करार दिया था तड़का दिशा पाटने के आइटम नंबर से भी लिया गया था तभी बागी तीन से बीस करोड़ के ऊपर की ओपनिंग की उम्मीद लगाई जा रही थी तो क्या टाइगर श्राफ की फिल्म में वो दम था आइए जानते हैं बागी थ्री दो भाइयों की कहानी है रोनी यानी टाइगर श्राफ और बिक्रम यानी रितेश देशमुख बड़ा भाई बिक्रम अक्सर समस्याओं में फंस जाता है और छोटा भाई उसकी मदद के लिए आता है यानी डायरेक्टर अहमद खान ने एक्शन का पूरा स्कोप निकाला है जब हालात की वजह से बिक्रम पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेता है तब भी रोनी उसकी मदद करता है आगरा में सेट की गई इस कहानी में एक्शन का पूरा स्कोप है वैसे इसमें कॉमेडी का टच देने की कोशिश की गई है लेकिन आप चाह कर भी हंस नहीं पाते श्रद्धा कपूर को बबली कैरेक्टर दिया गया है लेकिन खूबसूरत दिखने के बावजूद कुछ ऐसा जिससे उनका किरदार पर्दे पर सहज नहीं लगता वही इसी के साथ सीरिया में भी एक पैरेलल ट्रैक चल रहा है इससे सेकंड हाफ के मजबूत होने का इशारा मिलता है विक्रम को एक मिशन के तहत सीरिया भेजा जाता है लेकिन वहाँ भी वह फंस जाता है जब रोनी को सीरिया जाकर अपने भाई को बचाता है और यहाँ दर्शक सीटी ओबाऊ एक्शन सीन पर्दे पर देखते हैं टाइगर श्राफ इस समय बॉलीवुड में सबसे अच्छी बॉडी और बेहतरीन स्टंट करने वाले हीरो हैं डायरेक्टर अहमद खान ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए बागी थ्री बनाई टाइगर का स्वैग उनका डांस उनकी बॉडी उनका एक्शन बस यही बागी थ्री है अहमद खान ने अच्छा एक्शन डिजाइन किया है लेकिन कैमरा वर्क उतना शानदार ना होने से ये उम्मीद के मुताबिक प्रभावी नहीं बन पाया है टाइगर के लुक्स बॉडी और एक्शन में खुद को बहुत ग्रूम किया है लेकिन इमोशनल सीन में वह अभी पहली फिल्म जैसे ही हैं यही वजह है कि लोग उनके गुस्से और एक्शन को रिलेट नहीं कर पाते श्रद्धा कपूर के पास ज़्यादा इस स्क्रीन स्पेस नहीं है तो उन्होंने फैंस गानों में उनकी अदाएँ देखकर खुश हो सकते हैं रितेश देशमुख का कैरेक्टर इतना स्लो मैन क्यों है इसका जवाब भी फिल्म की कहानी नहीं दे पाती लिहाजा उनके रिएक्शन को दर्शक पहचान नहीं पा रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी कमी है कमज़ोर स्क्रिप्ट जिसमें एक्शन सीन छोड़ दिए जाएँ तो बाकी वक्त कुर्सी पर टिक कर बैठना मुश्किल हो जाता है दो पुराने और एक इंटरनेशनल रिमिक्स बावजूद इसके बागी थ्री के गाने पर्दे पर निराश करते हैं गनीमत यही है कि इसमें बहुत ज़्यादा गाने ठूसे नहीं गए हैं वरना दर्शकों को एक राउंड पॉपकॉर्न खरीदने का टाइम आसानी से मिल जाता हाँ दिशा पट दिसा पटानी का हार्ट अवतार जरूर ध्यान खींचता है कुल मिलाकर अगर आप जबरदस्त एक्शन के साथ मॉस्ट एंटरटेनर अपील वाली फिल्म देखना चाहते हैं तो बागी थ्री आपको प्रभावित ना करे तो निराश भी नहीं करेगी टाइगर श्राफ और श्रद्धा कपूर एक बार फिर से बागी सीरीज लेकर आए थे बागी थ्री को देखने के लिए फैंस काफ़ी एक्साइटेड थे कहा जा रहा था कि देश दुनिया में फैली कोरोना वायरस की बीमारी से बागी थ्री भी इफेक्ट हो सकती थी हो सकता है कि इस डर से सिनेमाघरों में लोग फिल्म को देखने भी ना आए लेकिन टाइगर के फैंस लगातार इस फिल्म को देखने के लिए पहुंचे थे फिल्म के प्लॉट की अगर बात करें तो टाइगर और रितेश दो भाई हैं फिल्म में रितेश देशमुख बेहद अहम भूमिका में होंगे रितेश टाइगर के भोले भाले भाई की भूमिका में हैं जिसे कभी भी कोई कुछ कह दे तो दर्द टाइगर को होता है ट्रेलर में दिखाया गया है कि एक बार भाई को कोई थप्पड़ मारता है उसके बाद टाइगर गुंडों का बहुत बुरा हाल करते हैं वही एक वक्त ऐसा आता है जब भाई को सीरिया जाना पड़ता है काम से इस बीच कुछ ऐसा होता है कि भाई कभी वापस देश नहीं लौटता वही टाइगर अपने भाई को ढूंढने और बचाने निकल पड़ता है फिल्म में टाइगर श्राफ ने मैन टू मैन लड़ते भिड़ते दिखेंगे वही मशीनों और नेचर से भी टाइगर की तगड़ी टक्कर होगी टाइगर एक इंटरव्यू में बताते थे कि इस फिल्म में वह इंसान के अलावा हेलीकॉप्टर और टैंक से भी लड़ रहे हैं। ट्रेलर में फाइटिंग और एक्शन सीन्स दिखाए गए, उनमें से ज्यादातर लाइव किए गए बहुत कम ऐसे सीन्स हैं जिनमें बेफेक्स का इस्तेमाल हुआ है बाकी थ्री में ऐसे कई तरह के झोल हैं और इसी वजह से इसका जज्बाती पहलू कमजोर हो गया दूसरे शब्दों में कहें तो फिल्म में मारपीट और धूम से तो जबरदस्त है लेकिन दिल को छू लेने वाले लम्हे कम हैं फिल्म पूरी तरह से टाइगर शराब के कंधे पर टिकी है रानी के रूम में टाइगर कुछ कुछ सलमान खान वाले किरदार टाइगर की तरह दिखते हैं यानी उनका एक्शन पर पूरी तरह से टाइगर नहीं बल्कि सलमान खान हावी रहे हैं सीरिया में मुख्य खलनायक की भूमिका इसराइली कलाकार जमील खैर ने निभाई है और उसमें एक खास किस्म का ड्राउनापन है इस फिल्म में भारतीय में खलनायक की भूमिका में जयदीप अहलावत हैं उनका किरदार रहस्य में लिपटा हुआ है वह रहस्य देर से उजागर होता है धांसू किस्म की एक्शन फिल्म है टाइगर श्राफ एक दमदार एक्शन हीरो के रूप में पहले ही उभर चुके हैं इस नई फिल्म में से वे इस पहलू को एक और बुलंदी पर ले गए थे और तीन तीन खलनायकों को ढूल चटाते नजर आते हैं इनमें से दो तो विदेशी हैं और एक देसी इस फिल्म में कई सारे इमोशन सीन में टाइगर श्राफ कहीं ज़्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं रितेश देशमुख एक समर्थ अभिनेता हैं। वह अपनी जगह हर कहीं तलाश कर लेते हैं विक्रम के किरदार में उनसे बेहतर कुछ नहीं हो सकता तरल आदर्श ने टाइगर श्राफ की फिल्म को देखने के बाद फिल्म की काफ़ी तारीफ की है फिल्म को साढ़े तीन स्टार्स मिले हैं वनर्ड रिव्यू में फिल्म को एंटरटेनर कहा गया है फैंस कह रहे थे कि फिल्म धमाकेदार एक्शन वाली फिल्म है कई लोग अपील कर रहे थे कि जिन्हें एक्शन पसंद है वह बागी थ्री ना छोड़े और एक फैन बोलता है फिल्म कम से कम 250 करोड़ कमा लेगी श्रद्धा कपूर ने एक बागी थ्री को लेकर एक ट्वीट शेयर किया था श्रद्धा ने श्रद्धा ने लिखा था बागी के साथ बहुत ही खूबसूरत झरना है मेरी लेकिन अभी लड़ाई लड़नी बाकी है एक्शन पैक्स बागी थ्री सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है गली बॉय से लोकप्रिय हुए अभिनेता विजय वर्मा का दावा है कि बागी थ्री में उनका किरदार देख दर्शक चौंक जाएंगे टाइगर श्राफ और श्रद्धा कपूर स्टार फिल्म में अपने किरदार को लेकर वर्मा ने कहा मेरा किरदार एक ऐसे व्यक्ति का है जो टाइगर को उनके भाई से मिलाने में मदद करता है यह किरदार काफ़ी दिलचस्प है जिससे दर्शक चौंक सकते हैं टाइगर और श्रद्धा की पहली फिल्म बागी ने ग्यारह करोड़ रुपये की कमाई की थी और अठहत्तर करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था दिशा पटानी ने बागीटू में टाइगर के साथ एंट्री की जिसने कि पहले दिन 25 करोड़ रुपए की कमाई की और कुल एक रुपए का एक करोड़ रुपए का कारोबार किया था ट्रेलर को भी दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया था टाइगर का एक्शन और उनका रिएक्शन देखकर फैंस क्रेजी हो रहे थे वही टाइगर की डायलॉग डिलीवरी भी जबरदस्त है फिल्म बागी टू के बाद से ही बागी थ्री का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था बागी थ्री ने तानाजी को पीछे छोड़ दिया था टाइगर की फिल्म की एडवांस बुकिंग धड़ाधड़ कहा जा रहा है कहा जा रहा था कि टाइगर की फिल्म को लेकर लोग इतने एक्साइटेड थे कि एडवांस बुकिंग धड़ाधड़ हो रही थी कई एनालिस्ट के मुताबिक तानाजी का रिकॉर्ड बागी थ्री तोड़ सकती थी कोमल नहटन ने ट्वीट कर कहा था कि यूपी दिल्ली में ऐसे कई सिनेमाघर थे जहां बागी थ्री परफॉर्म नहीं कर पाएगी इस वजह अक्षय कुमार और सलमान खान हो सकते हैं बागी थ्री टाइगर श्राफ की सुपरहिट फ्रेंचाइजी है जिसका एक्शन हर बार नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाता है लेकिन कहानी उसके साथ एक लेवल नीचे आ जाती है ऐसा ही कुछ अहमद खान के डायरेक्शन वाली बागी थ्री के लिए भी कहा जा सकता है टाइगर श्राफ श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख की फिल्म में एक्शन जहां जबरदस्त अंदाज में नजर आता है वही कहानी ने फिल्म की जान ही निकाल कर रख दी है टाइगर श्राफ का खतरनाक अंदाज श्रद्धा कपूर का ग्लैमरस लुक और रितेश देशमुख का डर भरा चेहरे के साथ ताबड़तोड़ एक्शन यही बागी थ्री की जमा पूंजी है बागी थ्री की कहानी यार रोनी यानी टाइगर श्राफ और उसके भाई विक्रम यानी रितेश देशमुख की है रोनी बेशक उम्र में छोटा है लेकिन वह विक्रम का रक्षक है विक्रम को खरोज भी आए तो रोनी सामने वाले के खून की नदियाँ बहा देता है एक दिन जिंदगी में कुछ ऐसा यू तूफान आता है कि रोनी को विक्रम को बचाने के लिए सीरिया जाना पड़ता है और यह उसका मुकाबला किसी एक दुश्मन नहीं बल्कि एक देश के साथ है इस तरह डायरेक्टर ने एक्शन का तूफान लाने की कोशिश की है अहमद खान ने टाइगर की शानदार बॉडी हैरत अंगेज स्टंट और बेजोड़ फाइटिंग का जबरदस्त कॉकटेल पेश किया है लेकिन इस चक्कर में वह कहानी का नमक फिल्म में सही से डालने में चौक गए और यही बात फिल्म के लिए सबसे कमजोर बनकर सामने आती है हालांकि एक्शन देखकर भी कई हॉलीवुड फिल्म की याद आ जाती है बागी थ्री में एक्टिंग की बात करें तो टाइगर श्राफ एक्शन किंग है वार और बागी टू में अपने हाथ अच्छी तरह से दिखा चुके हैं इस बार भी वह जोरदार एक्शन अंदाज में हैं और रानी के सिक्स पैक्स एप्स चेहरे पर किसी को भी ढोल चटाते समय कोई भाव न आना फिल्म में उनकी खासियत है लेकिन कमजोर डायलॉग्स और कहानी सारे किए गए किराए पर पानी फेर देते हैं श्रद्धा कपूर के लिए कुछ एक्सपेसनल नहीं है जितना काम उन्हें मिला है सही से किया है रितेश देशमुख भी ओके हैं और कुछ भी यादगार नहीं कर पाते बागी थ्री का म्यूजिक एवरेज है कहानी कमज़ोर है डायलॉग भी बेहद बचकाने हैं इस तरह बागी थ्री में अगर कुछ देखने वाला है तो वह सिर्फ टाइगर श्राफ के एक्शन हैं और उनके एक्शन को लेकर जबरदस्त फैन फॉलोइंग भी है फॉक्स स्टार स्टूडियोज की कमान भले अब डिज्नी के हाथों में आ गई हो लेकिन इस फेरबदल के पहले कंपनी में फिक्स हो चुकी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर पहुंचना जारी है चाची नडियाडवाला ने एक कहानी सोची फरहद शाम ने उस पर एक बेसिर पैर की पटकथा लिख दी और फॉक्स स्टार ने साजिद की चाबी से अपनी तिजोरी खोल दी बस बागी सीरीज की यह तीसरी फिल्म बस इतनी ही है कोरियोग्राफर से फिल्म निर्देशक बने अहमद खान भले अपने इंटरव्यू में कह चुके हों कि उनके रचे एक्शन में जान है लेकिन एक्शन का दर्शक क्या है क्या करे जब फिल्म में भी जान नहीं है भारतीय संस्कृत में बड़े भाई का जो दर्जा रहा है वह हिंदी सिनेमा में भी अब तक अपनाया ही है यह इसका उल्टा है बड़ा भाई तो भले पुलिस ऑफिसर लेकिन मुसीबत आती है तो छोटा भाई अब बचाने उसे पहुंच जाता है बात दर्शकों को हजम नहीं होती अपनी धरती पर तो छोटा भाई बड़े को बचाता ही रहता है पर सीरिया भी पहुंच जाता है आतंकवादियों की पूरी फौज से लोहा लेने भाई भाई के प्रेम पर हिंदी सिनेमा में सैकड़ों फिल्में बनी हैं लेकिन ये फिल्म किसी गिनती में नहीं आती रणबीर प्रताप और बिक्रम प्रताप की इस कहानी की नायिका का नाम लेखकों की टीम ने सिया रखा है क्यों वही जाने क्योंकि सिया फिल्म में ना भी हो तो कहानी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला हिंदी सिनेमा में टाइगर श्राफ पिछले छः साल से दो घर आगे चार घर पीछे वाली चाल चल रहे हैं बागी हिट होती है तो फ्लाइंग जट और मुन्ना माइकल उनकी ब्रांड वैल्यू धो देती है बागी टू हिट हुई तो स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर टू ने उनका हिसाब बिगाड़ दिया इस बार बागी थ्री की रिलीज हो जाने से पहले ही वार हिट हो गई और फ्लाप फ्लाप वाले घर में बागी थ्री पहुँच गई करीब सत्तर करोड़ रुपए में बनी बागी थ्री अकेले भारत में करीब साढ़े चार हज़ार स्क्रीन पर शुक्रवार की सुबह से दिखाई जा रही थी लिहाजा ओपनिंग तो लगनी ही थी लेकिन इतवार के बाद फिल्म का हाल बेहाल हो सकता था फिल्म की सबसे कमज़ोर कड़ी इसकी कहानी है जो आठ साल पहले रिलीज हुई तमिल फिल्म वेट्टाई से ली गई है साजिद ने इस देसी कहानी का एक सिरा लेकर जाकर सीरिया से बांधा और वही फिल्म का लोकल कनेक्ट खत्म हो गया निर्देशक के मामले में भी फिल्म काफ़ी कमज़ोर है अहमद खान फिल्म के किसी भी किरदार को कायदे से गढ़ नहीं पाए हैं टाइगर श्राफ पूरी फिल्म में इतना चेकते चिल्लाते हैं कि इस दुनिया के लगते ही नहीं रितेश देशमुख फिल्म की कथा प्रतिक्रिया को उत्प्रेरक के तौर पर रखे गए और सब उतना ही काम से करते हैं श्रद्धा कपूर का इस तरह से रोल करना उनके करियर को कोई फ़ायदा पहुंचाता नहीं दिखता है हाँ जमील खौरी की मौजूदगी पर्दे पर खौफ कायम करने में कामयाब होती है लचर कहानी निशाने से भटके निर्देशन के अलावा फिल्म का गीत संगीत भी दर्शकों को बोर करता है रिमिक्स गाने डाल डालकर फिल्म निर्माता भले यूट्यूब पर इन गानों के व्यूज पा लेते हैं लेकिन फिल्म में एक गाने अब दर्शक को खटकने लगे हैं फिल्म के एक्शन सीन भी अहमद खान नहीं गढ़े हैं बस यही एक काम कायदे से कर पाए हैं हालांकि ज़्यादातर एक्शन सीन्स किसी न किसी हॉलीवुड फिल्म की याद दिलाते रहते हैं अमर उजाला मूवी रिव्यू में बागी थ्री को मिले थे तीन स्टार ये फिल्म सिर्फ उन लोगों के लिए है जो टाइगर शराफ के भक्त हैं टाइगर शराफ को इंडस्ट्री में आए हुए महज छः साल हुए थे लेकिन उन्होंने अपने ख़तरनाक एक्शन डांस और अभिनय से बॉलीवुड में एक अलग मुकाम हासिल कर लिया था टाइगर के बागी फ्रेंचाइजी को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया गया इस फ्रेंचाइजी के पहले भाग बागी ने इसके दूसरे भाग बागी को बनाने के लिए प्रेरित किया बागी जबरदस्त हिट हुई और इसने बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ रुपए की कमाई की और इसके बाद मेकर्स ने बागी थ्री लाने का फैसला किया बागी थ्री में मेकर्स में एक्शन और विजुअल्स का स्तर काफ़ी ऊंचा रखा उस हफ्ते रिलीज हुई बागी थ्री के दर्शकों को मनोरंजन करने में कामयाब हुई थी या अपने प्रयास में विफल रही थी आइए जानते हैं बागी थ्री एक आतंकवादी संगठन के खिलाफ एक आदमी की कहानी है रोनी ने टाइगर श्राफ विक्रम एनी रितेश देशमुख का एक छोटा भाई है उसके पिता चरल चतुर्वेदी यानी जैकी शराफ पुलिस में थे जो कि मर चुके हैं चरण को पता है कि रोनी उसके दोनों बेटों से ज़्यादा बहादुर है इसलिए वह विक्रम का ख्याल रखने के लिए रोनी से वादा लेता है दोनों बड़े होते हैं विक्रम पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेता है और उसकी पोस्टिंग आगरा में लोहा मंडी पुलिस स्टेशन में होती है अपनी ड्यूटी के पहले दिन बाजवा नामक एक गुंडे ने लोहा मंडी पुलिस स्टेशन परिसर के अंदर एक व्यक्ति को आग लगा दी थी बाजवा ने वरिष्ठ आईपीएल पी एल यानी जयदीप अहलावा सामने आकर दोषी को बचा ले जाता है और पुलिस भी कोई केस फाइल नहीं करती है ऐसा इसलिए क्योंकि आईपीएल पी एक स्थानीय लोगों के साथ साथ पुलिस पर भी खौफ है आईपीएल का मुख्य व्यवसाय पूरे परिवारों का अपहरण करना है लेकिन वह फिरौती नहीं मांगता है इस, इसने हमेशा पुलिस को चमका चम, चकमा दिया है। पुलिस को पता नहीं है कि आईपीएल दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन जैसे लश्कर के नेता अबू जलाल गाजा के लिए काम करता है वे सीरिया से बाहर काम करते हैं और लगभग पूरे देश में अपना कब्जा जमा चुके हैं आगरा में लोहा मंडी पुलिस स्टेशन में अपहरण की शिकायत दर्ज होती है लेकिन वह कार्रवाई करने से डरते हैं इसलिए विक्रम को बलि का बकरा बनाने का फैसला करते हैं विक्रम घबरा जाता है और वह रोनी से मदद मांगता है रोनी आईपीएल की फैक्ट्री में विक्रम के साथ जाता है जहाँ अपहरणकर्ता लोगों को रखा जाता है रोनी आई के गुंडों को रोशनी बंद करके परेशान करता है हर कोई मानता है कि उन्हें पीटने और बंधकों को बचाने के लिए विक्रम जिम्मेदार है वह रातों रात हीरो बन जाता है विक्रम इस बीच रुषि ने अंकिता लोखंडे से शादी कर लेता है उसकी बहन सिया ने श्रद्धा कपूर है रोनी को डेट करना चाहती है जब तक विदेश मंत्रालय विक्रम को सीरिया नहीं भेजता तब तक जीवन अच्छा चल रहा है विक्रम पर आई पी एल को गिरफ्तार करने और उनके प्रत्यार्पण की प्रक्रिया को आसान बनाने की जिम्मेदारी दी है यह काफी आसान काम लगता है विक्रम वहाँ पहुँचता है लेकिन यहाँ उसे अबू के आदमी उसका अपहरण कर लेते हैं कोई विकल्प न होने के कारण रोनी अब सीरिया जाने का फैसला करता है इसके बाद आगे क्या होता है यह आगे की फिल्म को देखने के बाद पता चलता है बाकी थ्री आंशिक रूप से 2012 की तमिल हिट फिल्म बेटाई से प्रेरित है साजिन नडियाडे की कहानी मनोरंजक है लेकिन एक कमजोर कथानक पटकी है पहराज सामजी की पटकथा केवल फर्स्ट हाफ में प्रभावी है एक्शन और रिश्ते के लिहाज से फिल्म में थोड़ा नयापन है और यह दिलचस्पी को बनाए रखता है फरहा सामजी ने संवाद बहुत ही मनोरंजक और मजाक किया है अहमद खान का निर्देशन औसत है यह वह, वह, वह इस पैमाने की फिल्म को बहुत ही बारीकी के साथ हैंडल करते हैं बागीटोन ने राष्ट्रवाद पर अधिक ध्यान केंद्रित किया लेकिन यह ऐसा नहीं है लेकिन इसमें भारत पाकिस्तान भाईचारे पर एक अच्छी टिप्पणी की गई है निर्देशक ने फिल्म की गति को अपने कंट्रोल में रखा है जिससे जरा भी फिल्म खींची सी नहीं लगे और फर्स्ट हाफ में उनका निर्देशन ठीक है लेकिन सेकंड हाफ में फिसल जाते हैं सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि रोनी ऐसा नहीं लगता कि रोनी किसी देश के खिलाफ है इसके अलावा वह वास्तव में एक देश ही नहीं था बल्कि एक टाउनशिप थी जिसे मेकर्स चाहते हैं कि दर्शक एक देश के रूप में माने बाग़ी थ्री की शुरुआत थोड़ी अजीब होती है बच्चे के रूम में रोनी एक बड़े बच्चे को हीरो स्टाइल में पेटता है जो कि समझ के परे लगता है हालांकि चतुर्वेदी की मौत का सीन एक अच्छा इमोशनल पल लेकर आता है सिया की एंट्री काफ़ी मज़ेदार है जबकि वयस्क रानी के मज़ेदार सीन हैं जिन्हें फैंस द्वारा पसंद किया गया था अब जलाल गाजा के दृश्य सतही लगते हैं लेकिन शुक्र है कि फर्स्ट हाफ में काफ़ी मज़ेदार हैं फिल्म में ह्यूमर का अच्छा ह्यूमर का हिस्सा अच्छे से मैनेज किया गया है वह सीन जहाँ आई के पुरुषों ने रानी का अपहरण किया और बाद में जिस तरह से डरने का नाटक किया वह प्रफुल्लित करने वाला है और फिर विक्रम और त्रिपाठी यानी सक्सेना को लेकर एक भावनात्मक सीन सामने आता है इंटरमिशन पॉइंट तब होता है जब विक्रम को ले जाया जाता है इसके बाद लगता है कि अब सेकंड हाफ में कुछ रोमांचक देखने को मिलेगा खासकर रानी सीरिया जाएगा इत्यादि अख्तर लाहौर यानी विजय वर्मा का परिचय भी फिल्म में फन जोड़ता है लेकिन यहाँ से चीजें काफी समस्या परे लगने लगती हैं खासकर जिस तरह से रोनी अबू जलाल की पूरी सेना को आसानी से हरा देता है यदि काफ़ी ख़तरनाक लगता है लेकिन इतनी आसानी से ख़त्म हो जाता है यह मूर्खता पोड़ है क्लाइमैक्स में एक टूस्ट है जो दर्शकों को पसंद आ सकता है अभिनय की बात करें तो बागत्री पूरी तरह से टाइगर शराब के मजबूत कंधों पर टिकी हुई है और उम्मीद के मुताबिक वह इसमें जरा भी निराश नहीं करते हैं इसमें उनकी कॉमिक टाइमिंग भी देखने लायक है एक्शन के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं है और इस मामले में उनके फैंस का पूरा पैसा वसूल है श्रद्धा कपूर काफी खूबसूरत लगती हैं और शानदार प्रदर्शन देती हैं वह एक या दो सीन में थोड़ा ओवर लगती हैं लेकिन कुल मिलाकर वह दूरभाषी भाषा बोलने रोल में एकदम जचती हैं हालांकि स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी काफ़ी सीमित है अब क्योंकि यह फिल्म एक आक्रामक किरदार निभा रही है इसलिए आइडियल एक्शन सीन में भी हाथ अजमाना चाहिए था रितेश देशमुख अपना किरदार बाखूबी निभाते हैं और फिल्म में फन और मनडोज को जोड़ते हैं उन्हें क्लाइमैक्स में काफ़ी पसंद किया गया था और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ऐसा ही रोल अपने मराठी प्रोडक्शन फिल्म मौली जो कि 2018 में आई थी में निभाया था अंकिता लोखंडे को लिमिटेड स्कोप मिला है विजय वर्मा बहुत मनोरंजक लगते हैं जयदीप अहलावत पर उनका रोल जसता है और क्लाइमैक्स से ठीक पहले उनका अहम रोल जमील खुरे खलनायक के रूप में जसते हैं लेकिन और अधिक खौफनाक लग सकते थे ऐसे फौजी भरद्वाज मिश्रा बर्बाद हो जाते हैं वीरेंद्र सक्सेना हमेशा की तरह भरोसेमंद लगते हैं सतीश कौशिक कमिश्नर चटोरा और फरहाद शाम जी हंसी लेकर आए हैं मानो गोहिल शिव सर दानिश भट्ट इवान कोस्टा डिनिवा सुनीत मोरारजी अमित शर्मा और कर सिंह निष्पक्ष हैं जय कि शराब का कैमियो फिल्म में अच्छा योगदान देता है दिशा पटानी सिजलिंग लगाती हैं बागी थ्री का संगीत अच्छा है दस बहने टू पॉइंट ओ एक बेहतरीन रिमिक्स और ए, अं, अंत क्रेडिट में प्ले किया गया है ए, भंकस अच्छे से फिल्माया गया है डू यू मी निष्क्रिय है क्योंकि यहाँ एक ला फास्ट गीत की जरूरत थी गेट रेडी टू फाइट रिलोडेड एक्शन दृश्यों के दौरान प्ले किया गया है तेरे जैसा यार कहाँ काम नहीं करता जूलियस पैकेज का बैकग्राउंड स्कोर हालांकि प्रभाव को बढ़ाता है ऐसा कहाँ सुना है कि भाई हम यहाँ से आवाज़ दे और कोसू दूर बैठा आदमी उसे सुन ले आलम तो यह है कि बगल में बैठे इंसान को भी दो बार आवाज़ लगाओ तो वह सुनेगा खैर बागी थ्री में दो भाइयों की बॉन्डिंग को बेस बनाया गया है जिसमें एक भाई फिजिकली वीक है और वह जब जब अपने भाई को आवाज़ देता है उसका भाई हाजिर हो जाता है एक्शन से भरपूर कहें या फिर कुछ ज़्यादा ही भरपूर बागी थ्री दो भाइयों की कहानी है बागी थ्री आगरा के बैकपुट पर सेट है यह कहानी दो तो भाइयों की है जिनमें एक भाई रोनी यानी टाइगर श्राफ अपने भाई विक्रम यानी रितेश देशमुख की परछाई बनकर रहता है हर मुसीबत और हर परेशानी में रानी बिक्रम की मदद करने कहीं से भी पहुंच जाता है रानी और बिक्रम के पिता ने जेके शराब एक पुलिस ऑफिसर थे एक हादसे में उनकी मौत हो जाती है लेकिन मरने से पहले वह रानी को कहता है कि हमेशा वह बिक्रम की देख करेगा अपने पिता के आखिरी लफ्जों को पत्थर की लकीर की तरह मानते हुए रॉनी हर कदम पर विक्रम को बचाता है एक दिन विक्रम को पुलिस में भर्ती होने का मौका मिलता है जिसे वह मना कर देता है विक्रम का कहना है कि वह गुंडों के सामने खड़ा तक नहीं हो पाता जबकि रोनी अकेले ही गुंडों की धुलाई कर देता है इसलिए उसे पुलिस में भर्ती होना चाहिए पर रोनी के समझने पर कि उसके ऊपर तैंतीस केस चल रहे हैं जिस वजह से वह पुलिस में भर्ती नहीं हो सकता विक्रम मान जाता है आगरा के जिस एरिया में विक्रम की पोस्टिंग होती है वहाँ आई नाम का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है आई देश के अलग अलग शहरों से फैमिलीज किडनीप करता है और उन्हें सीरिया भेजता है एक दिन विक्रम को आई के अड्डे पर छापामारी करने का ऑर्डर मिलता है वह डर जाता है लेकिन रॉनी के साथ मिलकर वह किडनैप किए गए फैमिली को बचा लेता है अब वह आगरा का कॉप बन चुका है कुछ समय बाद बिक्रम को विदेश मंत्रालय की ओर से सीरिया जाकर किसी मामले की जांच पड़ताल के लिए भेजा जाता है विक्रम सीरिया जाता है लेकिन वहाँ आईपीएल के कहने पर उसे सीरिया के सबसे बड़े आतंकवादी समूह अबू जलाला के आदमी पकड़ लेते हैं वह बिक्रम असली ख़तरे में है दरअसल अबू जलाला उस आतंकवादी समूह का सरदार है जो फिदायनी हमले करवाकर सीरिया और पूरी दुनिया में दहशत फैला रहा है अब उसे बचाने उसका भाई रोनी समंदर पार भारत से सीरिया जाता है उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड और विक्रम के साली सिया निश्रद्धा कपूर भी जाती है विक्रम तक पहुंचना रानी के लिए आसान नहीं है अब फिल्म में देखना यह है कि वह अपने भाई को बचा पाता है या नहीं टाइगर श्रॉफ रानी के किरदार में सही लगे हैं उनकी एक्टिंग भी ठीक ठाक रही देखा जाए तो फिल्म में इमोशनल ट्विस्ट लाने की कोशिश जरूर की गई है जो कि कहीं से भी इमोशनल नहीं है तो टाइगर में भी इस इमोशनल एक्सप्रेशन की कमी नज़र आई रितेश देशमुख श्रद्धा कपूर विक्रम के पत्नी रुचि के रोल में अंकिता लोखंडे सभी ने ठीक ठाक एक्टिंग की इनके अलावा विजय शर्मा जयदेव अहलावत ने भी अपने रोल के मुताबिक ठीक ठाक एक्टिंग की है फिल्म का डायरेक्शन पार्ट कमज़ोर रहा कुछ सरल कहानी वाले फिल्मों से अगर तुलना करें तो बागी थ्री को बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता था लेकिन कहीं ना कहीं बागी टू जैसी एक्शन हिट के बाद डायरेक्टर अहमद खान ने बागी थ्री में भी एक्शन को मेन कोर्स बना दिया इस वजह से फिल्म में कई जगह एक्शन का ओवरडोज नज़र आ रहा है आर्मी हेलीकॉप्टर्स टैंकर्स के बीच टाइगर श्राफ का एक्शन सीक्वेंस बिना वजह के लगे एक्शन ड्रामा बागी थ्री में आपको सिवाय एक्शन एक्शन और एक्शन के और कुछ नहीं मिलेगा फिल्म में भाई भाई के रिलेशन का आपको इमोशनल धोखा मिलेगा हाँ एक्शन के अलावा आपको फिल्म में टाइगर शराब का भी ओवर देखने को मिलेगा ऐसा लगता है जैसे बागी थ्री सिर्फ टाइगर के शोकेस के लिए ही बनाई गई है बागी सीरीज की सफलता से इसके निर्माता इतने उत्साहित हो गए कि चार साल में सीरीज की तीसरी फिल्म आ गई लोकप्रियता का फायदा उठाने के चक्कर में बागी थ्री जल्दबाजी का शिकार नजर आती है यह कुछ ऐसा ही है कि बाज़ार में मांग को देखते हुए फल को पेड़ पर पकने से पहले ही तोड़ लिया जाता है तो उसे फिर स्वाद की उम्मीद कैसे की जा सकती है बागी की सफलता के पीछे इसके एक्शन सीन रहे हैं और बागी थ्री में सिर्फ एक्शन पर ही ध्यान दिया गया है लेकिन एक्शन के बीच जो कहानी रखी गई है वो बहुत ही कमजोर है कहानी की न्यू कमज़ोर रहने के कारण एक्शन की इमारत टिक नहीं पाती और फिल्म दर्शकों का मनोरंजन नहीं कर पाती घायल में सनी देओल अपने भाई को ढूंढने के लिए निकलते हैं गदर में सनी देओल अकेले पाकिस्तान से टकरा जाते हैं यह बातें आपको बागी थ्री देखते समय याद आ जाती है इन फिल्मों के हाईलाइट पॉइंट्स को किसी तरह जोड़कर बागी थ्री की कहानी तैयार की गई है एक दक्षिण भारतीय फिल्म से भी प्रेरणा ली गई है लेकिन इन फिल्मों में एक्शन के पीछे जो इमोशन और एंटरटेनमेंट था वो बागी थ्री में नदारद है प्रेरणा लेकर भी साजिद नडियाडवाला ढंग की कहानी लिखने में असफल रहे रोनी यानी टाइगर श्राफ अपने बड़े भाई विक्रम यानी रितेश देशमुख से बहुत प्यार करता है मरते समय दोनों के पिता छोटे भाई को बोलते हैं कि बड़े भाई का ख्याल रखना अब ऐसा क्यों क्योंकि बड़ा भाई बहुत ही सीधा साधा और डरपोक किस्म का है विक्रम पुलिस में भर्ती हो जाता है गुंडों से डरता है लेकिन छोटा भाई रोनी गुंडों की ढिलाई करता है और नाम विक्रम का होता है सरकार खुश होकर विक्रम को एक मिशन के तहत सीरिया पहुँचाती है विक्रम का अपहरण हो जाता है अपराहण करता बहुत ही खतरनाक लोग हैं वे नहीं जानते हैं कि उन्होंने रोनी से पंगा लिया है रोनी फौरन सीरिया के लिए रवाना होता है रोनी का एक ही मिशन है कि, कि किसी भी तरह अपने भाई को छुड़ाना जो भी रानी और विक्रम के बीच आएगा वह उसे ख़त्म कर देगा अपने भाई को सुरक्षित वापस लाने के लिए रोनी तबाही मचा देता है फिल्म की शुरुआत इटीस के दशक की फिल्मों की तरह होती है बचपन की मारामारी दिखाई जाती है फिर बच्चे बड़े होते हैं रितेश देशमुख ने सीधा साधा देखने के लिए जिस तरह की एक्टिंग की है वो बहुत ही बचकानी है कुछ ज़्यादा ही कोशिश उन्होंने कर दी है जिससे विश्वसनीयता खत्म हो जाती है भाईचारा इंट्रोल तक खींच गया है और यह बेहद बोरिंग है रानी के सीरिया पहुंचने तक लेखक और निर्देशक के पास दिखाने को कुछ नहीं था और कहानी आउटर में खड़ी रेलगाड़ी की तरह रुकी हुई लगती है रानी अब सीरिया पहुंचता है जो फिल्म में थोड़ी स्पीड आती है क्योंकि एक्शन ड्राइविंग सीट पर आता है लेकिन लॉजिक के अभाव में ये भी ज़्यादा प्रभावित नहीं करता सीरिया पहुँच कर रोनी जिस आसानी से अपने भाई को खोज लेता है उसमें बिल्कुल रोमांच नहीं है सब कुछ आसानी से हो जाता है रोनी अकेला ही सैकड़ों से भिड़ जाता है हजारों गोलियां, हेलीकॉप्टर टैंक गोला बारूद मशीन गन उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते एक्शन को इतना ओवरडोज कर दिया गया है कि मजा ही नहीं रह जाता फिल्म के बिलन भी पावरफुल नहीं लगते इसलिए रानी की उनसे टक्कर एकदम फेंकी लगी है सीरिया के विक्रम को उठा ले जाने वाली बात बिल्कुल भी नहीं जमती पहले हाफ में एक्शन सीन कम है और इससे एक्शन देखने आए दर्शकों को थोड़ी निराशा होती है कॉमेडी सीन और गाने ब्रेक का, का काम करते हैं क्लाइमैक्स का एक्शन भी बांध कर रखता है बागी थ्री देखते समय यह बात बार बार महसूस होती है कि फिल्म बहुत लंबी है और यह फीलिंग फिल्म के लिए अच्छी बात नहीं है फिल्म के संवादों में दम नहीं है श्रद्धा कपूर द्वारा बोले गए संवाद को अत्यंत घटिया माना जा सकता है गानों के मामले में फिल्म कंगाल है और पुराने गानों का सहारा लिया गया है एक्शन सीन फिल्म का प्लस पॉइंट है और इसमें अच्छा खासा पैसा भी खर्च किया गया है निर्देशक अहमद खान को बड़ा शटअप और स्टार्स मिले लेकिन वे उनका पूरा उपयोग नहीं कर पाए वे फिल्म को मनोरंजक नहीं बना पाए और ना ही इमोशंस ही पैदा कर पाए आधे से ज़्यादा काम एक्शन डायरेक्टर्स ने किया है हिंदू मुस्लिम भाई भाई और हिंदुस्तानी पाकिस्तानी एक जैसे होते हैं वाली बातें फिल्म में फिट नहीं बैठती हैं टाइगर श्राफ एक्शन सीन में जबरदस्त रहे हैं लेकिन इमोशंस में पीछे रह जाते हैं जब जब उनके एक्शन सीन स्क्रीन पर आते हैं फिल्म की पकड़ मजबूत हो जाती है श्रद्धा कपूर का रोल ख़राब तरीके से लिखा गया है और उनका अभिनय औसत रहा है रितेश देशमुख नकली लगे हैं जयदीप अहलावत की एक्टिंग बढ़िया है विजय वर्मा ने और एक्टिंग की है दिशा पाठ ने एक गाने और जय की शराब चंद दृश्यों में दिखाई दिए हैं बागी थ्री में चंद बढ़िया एक्शन सीन देखने की कीमत बहुत सारे उबाऊ सीन देख चुकानी पड़ती है और यह बहुत ज़्यादा है यह सच है कि हिंदी फिल्मों में एक्शन की तूती बोलती है और आमतौर पर किसी बदले की भावना या करीबी रिश्ते के लिए फिल्मी पर्दे पर मार धाड़ करते हीरो द्वारा जब बिलन या गुंडों की धुलाई होती है तो ऑडियंस खूब इंजॉय करती है निर्देशक अहमद खान ने भी भाई को बचाने वाले और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले हीरो के जरिए हैरत अंगे जैसन का नजराना पेश किया गया है मगर थोड़ी सी कहानी पर मेहनत हो जाती तो बात ही कुछ और थी दंगों में आम लोगों को बचाने के चक्कर में अपनी जान की बाजी लगाकर शहीद हो चुका इंस्पेक्टर चतुर्वेदी यानी जैकी शराब मरते हुए अपने बेटे रोनी यानी टाइगर शराब पर अपने छोटे बेटे बिक्रम यानी देश रितेश देशमुख की जिम्मेदारी सौंप कर जाता है बस उसके बाद हालात ऐसे होते हैं कि जब भी विक्रम पर कोई तिरछी निगाह डालता है रोनी का खून खोल उठता है और वह सामने वाले की हड्डी पसली एक कर देता है भाई के भविष्य को संवारने के लिए रॉनी आगरा में उसे पुलिस की नौकरी करने को प्रेरित करता है वहाँ वह ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जाल को तोड़ने में की मदद भी करता है इस ग्रोह से कई लोगों को छुड़ाने वाला बिक्रम विभाग का हीरो बन जाता है और उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के असली सरगना को पकड़ने के लिए सीरिया भेजा जाता है सीरिया में खुखार दहशत गर्द अबू जलाल गाजा यानी जमील खोरी विक्रम को बंदी बना लेता है तब रॉनी अपनी मासूका श्रद्धा कपूर के साथ सीरिया आधमकता है उसे अपने भाई को किसी भी हाल में बचाना है निर्देशक अहमद खान ने पूरी कोशिश की है कि इसमें एक्शन का डोज बागी टू से ज़्यादा स्ट्रांग हो और इसके लिए उन्होंने मारधाड़ के दृश्यों को दमदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है मॉल या रास्ते के आम फाइट सीन हो या हेलीकॉप्टर अथवा सेना के टैंक के बीच का एक्शन सब कुछ हॉलीवुड फिल्म जैसा लगता है मगर स्टोरी और स्क्रीन प्ले के मामले में वे मार खा गए हैं श्रद्धा कपूर के किरदार के जरिए कॉमेडी तो रितेश के माध्यम से इमोशन पर तड़का लगाया गया है कई दृश्य फनी हैं जो हंसाते भी हैं मगर फिल्म में एट्टी नाइनटीन के दशक की रिवेंज फिल्म, फिल्मों का फेल फिल्म बना रहता है क्लाइमैक्स के एक्शन सीक्वेंस सांस रोक देते हैं मगर वह काफ़ी खींच गया है और उसमें मोलोड्रामा भी कम नहीं है फिल्म की लंबाई कम की जा सकती थी संताना कृष्णानंदन रविचंद्रन की सिनेमाटोग्राफी देखने लायक है विशाल शेखर के संगीत में दस बहाने करके ले दिल खूब पसंद किया जा रहा है रेडियो मिर्ची के टॉप ट्वेंटी की लिस्ट में यह गाना पाँचवें पायदान पर बज रहा था अन्य गाने बस ठीक ठाक से हैं आइटम सॉन्ग डू मी में दिशा पटानी ने गजब के डांस मूव्स दिखाए हैं रोनी के रोल में टाइगर हर तरह से फिट हैं मसल्स और टोन्स बॉडी के साथ जब वह सॉर्टलेस होकर एंट्री मारते हैं तो ऑडियंस सीटी बजाने लगती है वन वन आर्मी के रूम में सीरिया जाकर जैस ए लश्कर जैसे आतंकवादियों को धूल चटाते हुए कंसिंग लगे हैं उनकी संवाद अदायगी में भी सुधार हुआ है श्रद्धा खूबसूरत और ग्लैमरस लगी हैं उन्होंने कॉमेडी भी की है मगर उन्हें स्क्रीन पर कुछ ज़्यादा करने का मौका नहीं मिला रितेश ने भोले भाले और डरपोक लड़के का रोल तो अच्छा किया मगर कहानी के चरित्र को सही ढंग से बुना नहीं गया अंकिता लोखंडे की भूमिका को भी विस्तार नहीं दिया गया मुख्य बिलन अबू जलाल के रूप में जमील खोरी फनी और खतरनाक लगे हैं मगर दूसरे बिलन जम नहीं पाए विजय वर्मा और जयदीप अहलावत ने अपने किरदारों को ठीक ठाक निभाया है टाइगर श्रॉफ जब सफलता के लिए तरस रहे थे तो बागी उनके लिए बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस फार्मूला लेकर आई थोड़ा रोमांस कुछ अच्छे वन लाइनर हिट होने वाले गाने दर्शकों को लुभाने वाला डांस और दम रोककर देखने वाला एक्शन बागी के बाद बागी टू बॉक्स ऑफिस तो पर और शानदार रही और अब वह बागी थ्री के साथ आए हैं वही सेट चीज़ों के साथ ट्रेलर में उनका एक्शन देखकर इससे फैन ने ब्लॉक बास्टर करार दिया था तड़का दिशा पाटने के आइटम नंबर से भी लिया गया था तभी बागी तीन से बीस करोड़ के ऊपर की ओपनिंग की उम्मीद लगाई जा रही थी तो क्या टाइगर श्राफ की फिल्म में दम था आइए जानते हैं बागी थ्री दो भाइयों की कहानी है रोनी यानी टाइगर श्राफ और बिक्रमित है।, है।, है जब हालात की वजह से बिक्रम पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेता है तब भी रोनी उसकी मदद करता है आगरा में सेट की गई इस कहानी में एक्शन का पूरा स्कोप है वैसे इसमें कॉमेडी का टच देने की कोशिश की गई है लेकिन आप चाह कर भी हंस नहीं पाते श्रद्धा कपूर को बबली कैरेक्टर दिया गया है लेकिन खूबसूरत दिखने के बावजूद कुछ ऐसा जिससे उनका किरदार पर्दे पर सहज नहीं लगता वही इसी के साथ सीरिया में भी एक पैरेलल ट्रैक चल रहा है इससे सेकंड हाफ के मजबूत होने का इशारा मिलता है विक्रम को एक मिशन के तहत सीरिया भेजा जाता है लेकिन वहाँ भी वह फंस जाता है जब रोनी को सीरिया जाकर अपने भाई को बचाता है और यहाँ दर्शक सीटी उबाऊ एक्शन सीन पर्दे पर पर्थ देखते हैं टाइगर श्राफ इस समय बॉलीवुड में सबसे अच्छी बॉडी और बेहतरीन स्टंट करने वाले हीरो हैं डायरेक्टर अहमद खान ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए बागी थ्री बनाई टाइगर का स्वैग उनका डांस उनकी बॉडी उनका एक्शन बस यही बागी थ्री है अहमद खान ने अच्छा एक्शन डिजाइन किया है लेकिन कैमरा वर्क उतना शानदार न होने से ये उम्मीद के मुताबिक प्रभावी नहीं बन पाया है टाइगर के लुक्स बॉडी और एक्शन में खुद को बहुत ग्रूम किया है लेकिन इमोशनल सीन में वह अभी पहली फिल्म जैसे ही हैं यही वजह है कि लोग उनके गुस्से और एक्शन को रिलेट नहीं कर पाते श्रद्धा कपूर के पास ज़्यादा स्क्रीन स्पेस इस नहीं है तो उन्होंने फैंस गानों में उनकी अदाएँ देखकर खुश हो सकते हैं रितेश देशमुख का कैरेक्टर इतना स्लो मैन क्यों है इसका जवाब भी फिल्म की कहानी नहीं दे पाती लिहाजा उनके रिएक्शन को दर्शक पहचान नहीं पा रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी कमी है कमज़ोर स्क्रिप्ट जिसमें एक्शन सीन छोड़ दिए जाएँ तो बाकी वक्त कुर्सी पर टिक कर बैठना मुश्किल हो जाता है दो पुराने और एक इंटरनेशनल रिमिक्स बावजूद इसके बागी थ्री के गाने पर्दे पर निराश करते हैं गनीमत यही है कि इसमें बहुत ज़्यादा गाने ठूसे नहीं गए हैं वरना दर्शकों को एक राउंड पॉपकॉर्न खरीदने का टाइम आसानी से मिल जाता हाँ दिशा पट दिशा पटानी का हार्ट अवतार जरूर ध्यान खींचता है कुल मिलाकर अगर आप जबरदस्त एक्शन के साथ मॉस्ट एंटरटेनर अपील वाली फिल्म देखना चाहते हैं तो बागी थ्री आपको प्रभावित ना करे तो निराश भी नहीं करेगी टाइगर श्राफ और श्रद्धा कपूर एक बार फिर से बागी सीरीज लेकर आए थे बागी थ्री को देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड थे कहा जा रहा था कि देश दुनिया में फैली कोरोना वायरस की बीमारी से बागी थ्री भी इफेक्ट हो सकती थी हो सकता है कि इस डर से सिनेमाघरों में लोग फिल्म को देखने भी ना आए लेकिन टाइगर के फैंस लगातार इस फिल्म को देखने के लिए पहुंचे थे फिल्म के प्लॉट की अगर बात करें तो टाइगर और रितेश दो भाई हैं फिल्म में रितेश देशमुख बेहद अहम भूमिका में होंगे रितेश टाइगर के भोले भाले भाई की भूमिका में हैं जिसे कभी भी कोई कुछ कह दे तो दर्द टाइगर को होता है ट्रेलर में दिखाया गया है कि एक बार भाई को कोई थप्पड़ मारता है उसके बाद टाइगर गुंडों का बहुत बुरा हाल करते हैं वही एक वक्त ऐसा आता है जब भाई को सीरिया जाना पड़ता है काम से इस बीच कुछ ऐसा होता है कि भाई कभी वापस देश नहीं लौटता वही टाइगर अपने भाई को ढूंढने और बचाने निकल पड़ता है फिल्म में टाइगर शराब नेम टू मैन लड़ते भिड़ते दिखेंगे वही मशीनों और नेचर से भी टाइगर की तगड़ी टक्कर होगी टाइगर एक इंटरव्यू में बताते थे कि इस फिल्म में वह इंसान के अलावा हेलीकॉप्टर और टैंक से भी लड़ रहे हैं ट्रेलर में फाइटिंग और एक्शन सीन्स दिखाए गए उनमें से ज़्यादातर लाइव किए गए बहुत कम ऐसे सीन्स हैं जिनमें बेफैक्स का इस्तेमाल हुआ है बाकी थ्री में ऐसे कई तरह के झोल हैं और इसी वजह से इसका जज्बाती पहलू कमज़ोर हो गया दूसरे शब्दों में कहें तो फिल्म में मारपीट और धूम धड़ाम से तो जबरदस्त है लेकिन दिल को छू लेने वाले लम्हे कम हैं फिल्म पूरी तरह से टाइगर शराब के कंधे पर टिकी है रानी के रूम में टाइगर कुछ कुछ सलमान खान वाले किरदार टाइगर की तरह दिखते हैं यानी उनका एक्शन पर पूरी तरह से टाइगर नहीं बल्कि सलमान खान हावी रहे हैं सीरिया में मुख्य खलनायक की भूमिका इसराइली कलाकार जमील खैर ने निभाई है और उसमें एक खास किस्म का ड्राउनापन है इस फिल्म में भारती में खलनायक की भूमिका में जयदीप अहलावत हैं उनका किरदार रहस्य में लिपटा हुआ है वह रहस्य देर से उजागर होता है धांसू किस्म की एक्शन फिल्म है टाइगर है एक दमदार एक्शन हीरो के रूप में पहले ही उभर चुके हैं इस नई फिल्म में से वे इस पहलू को एक और बुलंदी पर ले गए थे और तीन तीन खलनायकों को ढूल चटाते नजर आते हैं इनमें से दो तो विदेशी हैं और एक देसी इस फिल्म में कई सारे इमोशन सीन में टाइगर श्राफ कहीं ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं देशमुख -देश -देश एक समर्थ अभिनेता हैं वह अपनी जगह हर कहीं तलाश कर लेते हैं विक्रम के किरदार में उनसे बेहतर कुछ नहीं हो सकता तरल आदर्श ने टाइगर श्राफ की फिल्म को देखने के बाद फिल्म की काफी तारीफ की है फिल्म को साढ़े तीन स्टार्स मिले हैं वन अर्ड रिब्यू में फिल्म को एंटरटेनर कहा गया है फैंस कह रहे थे कि फिल्म धमाकेदार एक्शन वाली फिल्म है कई लोग अपील कर रहे थे कि जिन्हें एक्शन पसंद है वह बागी थ्री ना छोड़े और एक फैन बोलता है फिल्म कम से कम 250 करोड़ कमा लेगी श्रद्धा कपूर ने एक बागी थ्री को लेकर एक ट्वीट शेयर किया था श्रद्धा ने श्रद्धा ने लिखा था बागी के साथ बहुत ही खूबसूरत झरना है मेरी लेकिन अभी लड़ाई लड़नी बाकी है एक्शन पैक्स बागी थ्री सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है गली बॉय से लोकप्रिय हुए अभिनेता विजय वर्मा का दावा है कि बागी थ्री में उनका किरदार देख दर्शक चौंक जाएंगे टाइगर श्राफ और श्रद्धा कपूर स्टार फिल्म में अपने किरदार को लेकर वर्मा ने कहा मेरा किरदार एक ऐसे व्यक्ति का है जो टाइगर को उनके भाई से मिलाने में मदद करता है यह किरदार काफी दिलचस्प है जिससे दर्शक चौंक सकते हैं टाइगर और श्रद्धा की पहली फिल्म बागी ने ग्यारह करोड़ रुपए की कमाई की थी और अठहत्तर करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था दिशा पटानी ने बागीटू में टाइगर के साथ एंट्री की जिसने कि पहले दिन पच्चीस करोड़ रुपए की कमाई की और कुल एक रुपए का एक करोड़ रुपए का कारोबार किया था ट्रेलर को भी दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया था टाइगर का एक्शन और उनका रिएक्शन देखकर फैंस क्रेजी हो रहे थे वही टाइगर की डायलॉग डिलीवरी भी जबरदस्त है फिल्म बागी टू के बाद से ही बागी थ्री का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था बागी थ्री ने तानाजी को पीछे छोड़ दिया था टाइगर की फिल्म की एडवांस बुकिंग धड़ाधड़ कहा जा रहा है कहा जा रहा था कि टाइगर की फिल्म को लेकर लोग इतने एक्साइटेड थे कि एडवांस बुकिंग धड़ाधड़ धड़ा हो रही थी कई एनालिस्ट के मुताबिक तानाजी का रिकॉर्ड बागी थ्री तोड़ सकती थी कोमल नेहटन ने ट्वीट कर कहा था कि यूपी दिल्ली में ऐसे कई सिनेमाघर थे जहां बागी थ्री परफॉर्म नहीं कर पाएगी इस वजह अक्षय कुमार और सलमान खान हो सकते हैं बागी थ्री टाइगर श्राफ की सुपरहिट फ्रेंचाइजी है जिसका एक्शन हर बार नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है लेकिन कहानी उसके साथ एक लेबल नीचे आ जाती है ऐसा ही कुछ अहमद खान के डायरेक्शन वाली बागी थ्री के लिए भी कहा जा सकता है टाइगर श्राफ श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख की फिल्म में एक्शन जहां जबरदस्त अंदाज में नजर आता है वही कहानी ने फिल्म की जान ही निकाल कर रख दी है टाइगर श्राफ का खतरनाक अंदाज श्रद्धा कपूर का ग्लैमरस लुक और रितेश देशमुख का डर भरा चेहरे के साथ ताबड़तोड़ एक्शन यही बागी थ्री की जमा पूंजी है बागी थ्री की कहानी यार रानी यानी टाइगर श्राफ और उसके भाई बिक्रम यानी रितेश देशमुखी है रॉनी बेशक उम्र में छोटा है लेकिन वह बिक्रम का रक्षक है बिक्रम को खरोच भी आए तो रोनी सामने वाले के खून की नदियाँ बहा देता है एक दिन ज़िंदगी में कुछ ऐसा यू तूफान आता है कि रॉनी को विक्रम को बचाने के लिए सीरिया जाना पड़ता है और यहाँ उसका मुकाबला किसी एक दुश्मन नहीं बल्कि एक देश के साथ है इस तरह डायरेक्टर ने एक्शन का तूफान लाने की कोशिश की है अहमद खान ने टाइगर की शानदार बॉडी हैरत अंगेज स्टंट और बेजोड़ फाइटिंग का जबरदस्त कॉकटेल पेश किया है लेकिन इस चक्कर में वह कहानी का नमक फिल्म में सही से डालने में चौक गए और यही बात फिल्म के लिए सबसे कमजोर बनकर सामने आती है हालांकि एक्शन देखकर भी कई हॉलीवुड फिल्म की याद आ जाती है बागी थ्री में एक्टिंग की बात करें तो टाइगर श्राफ एक्शन किंग है वार और बागेटों में अपने हाथ अच्छी तरह से दिखा चुके हैं इस बार भी वह जोरदार एक्शन अंदाज में हैं और रानी के सिक्स पैक्स एब्स चेहरे पर किसी को भी चटाते समय कोई भाव न आना फिल्म में उनकी खासियत है लेकिन कमजोर डायलॉग्स और कहानी सारे किए गए किराए पर पानी फेर देते हैं श्रद्धा कपूर के लिए कुछ एक्सप्रेसनल नहीं है जितना काम उन्हें मिला है सही से किया है रितेश देशमुख भी ओके हैं और कुछ भी यादगार नहीं कर पाते बागी थ्री का म्यूजिक एवरेज है कहानी कमज़ोर है डायलॉग भी बेहद बचकाने हैं इस तरह बागी थ्री में अगर कुछ देखने वाला है तो वह सिर्फ टाइगर श्राफ के एक्शन हैं और उनके एक्शन को लेकर ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग भी है फॉक्स स्टार स्टूडियोज की कमान भले अब डिज्नी के हाथों में आ गई हो लेकिन इस फेरबदल के पहले कंपनी में फिक्स हो चुकी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर पहुंचना जारी है साजिद नडियाडवाला ने एक कहानी सोची फरहाद सामजी ने उस पर एक बेसिर पैर की पटकथा लिख दी और फॉक्स स्टार ने साजिद की चाबी से अपनी तिजोरी खोल दी बस बागी सीरीज की ए, तीसरी फिल्म बस इतनी ही है कोरियोग्राफर से फिल्म निर्देशक बने अहमद खान भले अपने इंटरव्यू में कह चुके हों कि उनके रचे एक्शन में जान है लेकिन एक्शन का दर्शक क्या है क्या करे जब फिल्म में भी जान नहीं है भारतीय संस्कृत में बड़े भाई का जो दर्जा रहा है वह हिंदी सिनेमा में भी अब तक अपनाया ही है यहाँ इसका उल्टा है बड़ा भाई तो भले पुलिस अफसर लेकिन मुसीबत आती है तो छोटा भाई अब बचाने उसे पहुंच जाता है बात दर्शकों को हजम नहीं होती अपनी धरती पर तो छोटा भाई बड़े को बचाता ही रहता है पर सीरिया भी पहुंच जाता है आतंकवादियों की पूरी फौज से लोहा लेने भाई भाई के प्रेम पर हिंदी सिनेमा में सैकड़ों फिल्में बनी हैं लेकिन ये फिल्म किसी गिनती में नहीं आती रणबीर प्रताप और विक्रम प्रताप की इस कहानी की नायिका का नाम लेखकों की टीम ने सिया रखा है क्यों वही जाने क्योंकि सिया फिल्म में ना भी हो तो कहानी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला हिंदी सिनेमा में टाइगर श्राफ पिछले छः साल से दो घर आगे चार घर पीछे वाली चाल चल रहे हैं बागी हिट होती है तो फ्लाइंग जट और मुन्ना माइकल उनकी ब्रांड वैल्यू धो देती है बागी टू हिट हुई तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू ने उनका हिसाब बिगाड़ दिया इस बार बागी थ्री की रिलीज हो जाने से पहले ही वार हिट हो गई और फ्लाप फ्लाप वाले घर में बागी थ्री पहुँच गई करीब सत्तर करोड़ रुपए में बनी बागी थ्री अकेले भारत में करीब साढ़े चार हज़ार स्क्रीन पर शुक्रवार की सुबह से दिखाई जा रही थी लिहाजा ओपनिंग तो लगनी ही थी लेकिन इतवार के बाद फिल्म का हाल बेहाल हो सकता था फिल्म की सबसे कमज़ोर कड़ी इसकी कहानी है जो आठ साल पहले रिलीज हुई तमिल फिल्म बेटाई से ली गई है साजिद ने इस देसी कहानी का एक सिरा लेकर जाकर सीरिया से बांधा और वही फिल्म का लोकल कनेक्ट खत्म हो गया निर्देशक के मामले में भी फिल्म काफ़ी कमज़ोर है अहमद खान फिल्म के किसी भी किरदार को कायदे से गढ़ नहीं पाए हैं टाइगर श्राफ पूरी फिल्म में इतना चेकते चिल्लाते हैं कि इस दुनिया के लगते ही नहीं रितेश देशमुख फिल्म की कथा प्रतिक्रिया को उत्प्रेरक के तौर पर रखे गए और सब उतना ही काम से करते हैं श्रद्धा कपूर का इस तरह से रोल करना उनके करियर को कोई फ़ायदा पहुंचाता नहीं दिखता है हाँ जमील खौरी की मौजूदगी पर्दे पर ख्वाफ कायम करने में कामयाब होती है लचर कहानी निशाने से भटके निर्देशन के अलावा फिल्म का गीत संगीत भी दर्शकों को बोर करता है रिमिक्स गाने डाल डालकर फिल्म निर्माता भले यूट्यूब पर इन गानों के व्यूज पा लेते हैं लेकिन फिल्म में एक गाने अब दर्शक को खटकने लगे हैं फिल्म के एक्शन सीन भी अहमद खान नहीं गढ़े हैं बस यही एक काम बायदे से कर पाए हैं हालांकि ज़्यादातर एक्शन सीन्स किसी न किसी हॉलीवुड फिल्म की याद दिलाते रहते हैं अमर उजाला मूवी रिव्यू में बागी थ्री को मिले थे तीन स्टार ये फिल्म सिर्फ उन लोगों के लिए है जो टाइगर श्राफ के भक्त हैं टाइगर शराफ को इंडस्ट्री में आए हुए महज छः साल हुए थे लेकिन उन्होंने अपने ख़तरनाक एक्शन डांस और अभिनय से बॉलीवुड में एक अलग मुकाम हासिल कर लिया था टाइगर की बागी फ्रेंचाइजी को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया गया इस फ्रेंचाइजी के पहले भाग बागी ने इसके दूसरे भाग बागी टू को बनाने के लिए प्रेरित किया बागी जबरदस्त हिट हुई और इसने बॉक्स ऑफिस इस पर एक करोड़ रुपये की कमाई की और इसके बाद मेकर्स ने बागी थ्री लाने का फैसला किया बागी थ्री में मेकर्स में एक्शन और विजुअल्स का स्तर काफ़ी ऊंचा रखा उस हफ्ते रिलीज हुई बागी थ्री के दर्शकों को मनोरंजन करने में कामयाब हुई थी या अपने थी अपने प्रयास में विफल रही आइए जानते हैं बागी थ्री एक आतंकवादी संगठन के खिलाफ एक आदमी की कहानी है रोनी ने टाइगर शराब विक्रम यानी रितेश देशमुख का एक छोटा भाई है उसके पिता चरण चतुर्वेदी यानी जैकी शराफ पुलिस में थे जो कि मर चुके हैं चरण को पता है कि रोनी उसके दोनों बेटों से ज्यादा बहादुर है इसलिए वह विक्रम का ख्याल रखने के लिए रोनी से वादा लेता है दोनों बड़े होते हैं विक्रम पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेता है और उसकी पोस्टिंग आगरा में लोहा मंडी पुलिस स्टेशन में होती है अपनी ड्यूटी के पहले दिन बाजवा नामक एक गुंडे ने लोहा मंडी पुलिस स्टेशन परिसर के अंदर एक व्यक्ति को आग लगा दी थी बाजवा ने वरिष्ठ आईपीएल पी यानी जयदीप अहलावा सामने आकर दोषी को बचा ले जाता है और पुलिस भी कोई केस फाइल नहीं करती है ऐसा इसलिए क्योंकि आईपीएल एक स्थानीय लोगों के साथ साथ पुलिस पर भी खौफ है आईपीएल का मुख्य व्यवसाय पूरे परिवारों का अपहरण करना है लेकिन वह फिरौती नहीं मांगता है इसमें इसने हमेशा पुलिस को चमका चम चकमा दिया है पुलिस को पता नहीं है कि आईपीएल दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन जैसे लश्कर के नेता अबू जलाल गाजा के लिए काम करता है वे सीरिया से बाहर काम करते हैं और लगभग पूरे देश में अपना कब्जा जमा चुके हैं आगरा में लोहा मंडी पुलिस स्टेशन में अपहरण की शिकायत दर्ज होती है लेकिन वह कार्रवाई करने से डरते हैं इसलिए विक्रम को बलि का बकरा बनाने का फैसला करते हैं विक्रम घबरा जाता है और वह रोनी से मदद मांगता है रोनी आईपीएल की फैक्ट्री में विक्रम के साथ जाता है जहाँ अपहरणकर्ता लोगों को रखा जाता है रोनी आई के गुंडों को रोशनी बंद करके परेशान करता है हर कोई मानता है कि उन्हें पीटने और बंधकों को बचाने के लिए विक्रम जिम्मेदार है वह रातों रात हीरो बन जाता है विक्रम इस बीच रुचिया ने अंकिता लोखंड से शादी कर लेता है उसकी बहन सिया ने श्रद्धा कपूर है रोनी को डेट करना चाहती है जब तक विदेश मंत्रालय विक्रम को सीरिया नहीं भेजता तब तक जीवन अच्छा चल रहा है विक्रम पर आई को गिरफ्तार करने और उनके प्रत्यार्पण की प्रक्रिया को आसान बनाने की जिम्मेदारी दी है यह काफी आसान काम लगता है विक्रम वहां पहुंचता है लेकिन यहां उसे अबू के आदमी के उसका अपहरण कर लेते हैं कोई विकल्प न होने के कारण रोनी अब सीरिया जाने का फैसला करता है इसके बाद आगे क्या होता है यह आगे की फिल्म को देखने के बाद पता चलता है बागी थ्री आंशिक रूप से 2012 की तमिल हिट फिल्म बेटाई से प्रेरित है साजिद नडियाडवाला की कहानी मनोरंजक है लेकिन एक कमजोर कथानक पर की है सामजी की पटकथा केवल फर्स्ट हाफ में प्रभावी है एक्शन और स्थित के लिहाज से फिल्म में थोड़ा नयापन है और यह दिलचस्पी को बनाए रखता है फरहा सामजी ने संवाद बहुत ही मनोरंजक और मजा किया है अहमद खान का निर्देशन औसत है यह वह इस पैमाने की फिल्म को बहुत ही बारीकी के साथ हैंडल करते हैं बागीटोन ने राष्ट्रवाद पर अधिक ध्यान केंद्रित किया लेकिन यह ऐसा नहीं है लेकिन इसमें भारत पाकिस्तान भाईचारे पर एक अच्छी टिप्पणी की गई है निर्देशक ने फिल्म की गति को अपने कंट्रोल में रखा है जिससे जरा भी फिल्म खींची सी नहीं लगे और फर्स्ट हाफ में उनका निर्देशन ठीक है लेकिन सेकंड हाफ में फिसल जाते हैं सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि रोनी ऐसा नहीं लगता कि रोनी किसी देश के खिलाफ है इसके अलावा वह वास्तव में एक देश ही नहीं था बल्कि एक टाउनशिप थी जिसे मेकर्स चाहते हैं कि दर्शक एक देश के रूप में माने बागी थ्री की शुरुआत थोड़ी अजीब होती है बच्चे के रूम में रोनी एक बड़े बच्चे को हीरो स्टाइल में पेटता है जो कि समझ के परे लगता है हालांकि चतुर्वेदी की मौत का सीन एक अच्छा इमोशनल पल लेकर आता है सिया की एंट्री काफ़ी मजेदार है जबकि वयस्क रानी के मज़ेदार सीन हैं, जिन्हें फैंस द्वारा पसंद किया गया था अब जलाल गाजा के दृश्य सतही लगते हैं लेकिन शुक्र हाँ है कि फर्स्ट हाफ में काफ़ी मज़ेदार हैं फिल्म में ह्यूमर का अच्छा ह्यूमर का हिस्सा अच्छे से मैनेज किया गया है वह सीन जहां आईपीएल के पुरुषों ने रानी का अपहरण किया और बाद में जिस तरह से डरने का नाटक किया वह प्रफुल्लित करने वाला है और फिर विक्रम और त्रिपाठी यानी ब्रं सक्सेना को लेकर एक भावनात्मक सीन सामने आता है इंटरमिशन पॉइंट तब होता है जब विक्रम को ले जाया जाता है इसके बाद लगता है कि अब सेकंड हाफ में कुछ रोमांचक देखने को मिलेगा खासकर रानी सीरिया जाएगा इत्यादि अख्तर लाहौर यानी विजय वर्मा का परिचय भी फिल्म में फन जोड़ता है लेकिन यहाँ से चीजें काफी समस्या परे लगने लगती हैं खासकर जिस तरह से रोनी अबू जलाल की पूरी सेना को आसानी से हरा देता है यदि काफ़ी ख़तरनाक लगता है लेकिन इतनी आसानी से ख़त्म हो जाता है यह मूर्खतापूर्ण है क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट है जो दर्शकों को पसंद आ सकता है अभिनय की बात करें तो बाग थ्री पूरी तरह से टाइगर शराब के मजबूत कंधों पर टिकी हुई है और उम्मीद के मुताबिक वह इसमें जरा भी निराश नहीं करते हैं इसमें उनकी कॉमिक टाइमिंग भी देखने लायक है एक्शन के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं है और इस मामले में उनके फैंस का पूरा पैसा वसूल है श्रद्धा कपूर काफी खूबसूरत लगती हैं और शानदार प्रदर्शन देती हैं वह एक या दो सीन में थोड़ा ओवर लगती हैं लेकिन कुल मिलाकर भाषा बोलने रोल में एकदम जचती हैं हालांकि स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी काफी सीमित है अब क्योंकि यह फिल्म एक आक्रामक किरदार निभा रही है इसलिए आइडियल एक्शन सीन में भी हाथ आजमाना चाहिए था रितेश देशमुख अपना किरदार बाखूबी निभाते हैं और फिल्म में फन और मंडोस को जोड़ते हैं उन्हें क्लाइमैक्स में काफ़ी पसंद किया गया था और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ऐसा ही रोल अपने मराठी प्रोडक्शन फिल्म मुल्... मौली जो कि 2018 में आई थी में निभाया था अंकिता लोखंडे को लिमिटेड स्कोप मिला है विजय वर्मा बहुत मनोरंजक लगते हैं जयदीप अहलावत पर उनका रोल जसता है और क्लाइमैक्स से ठीक पहले उनका अहम रोल जमील खुरे खलनायक के रूप में जसते हैं लेकिन और अधिक खोपना लग सकते थे ऐसे फौजी सौर भरद्वाज मिश्रा बर्बाद हो जाते हैं वीरेंद्र सक्सेना हमेशा की तरह भरोसेमंद लगते हैं सतीश कौशिक कमिश्नर चटोरा और फरहाद शाम जी हंसी लेकर आए हैं मानो गोहिल शिव सर दानिश भट्ट इवान कोस्टा डिनिवा, सुनीत मोरारजी अमित शर्मा और करट सिंह निष्पक्ष हैं जैकि शराब का कैमिया फिल्म में अच्छा योगदान देता है दिशा पटानी सिजलिंग लगाती हैं बागी थ्री का संगीत अच्छा है दस बहने टू पॉइंट ओ एक बेहतरीन रिमिक्स और ए, अं, अंत क्रेडिट में प्ले किया गया है ए, भंकस अच्छे से फिल्माया गया है डू यू मी निष्क्रिय है क्योंकि यहाँ एक ला फास्ट गीत की जरूरत थी गेट रेडी टू फाइट रिलोडेड एक्शन दृश्यों के दौरान प्ले किया गया है तेरे जैसा यार कहाँ काम नहीं करता जूलियस पैकेज का बैकग्राउंड स्कोर हालांकि प्रभाव को बढ़ाता है ऐसा कहाँ सुना है कि भाई हम यहाँ से आवाज़ दे और कोसों दूर बैठा आदमी उसे सुन ले आलम तो यह है कि बगल में बैठे इंसान को भी दो बार आवाज लगाओ तो वह सुनेगा खैर बागी थ्री में दो भाइयों की बॉन्डिंग को बेस बनाया गया है जिसमें एक भाई फिजिकली वीक है और वह जब जब अपने भाई को आवाज़ देता है उसका भाई हाजिर हो जाता है एक्शन से भरपूर कहें या फिर कुछ ज़्यादा ही भरपूर बागी थ्री दो तो भाइयों की कहानी है बागी थ्री आगरा के बैकपुट पर सेट है यह कहानी दो तो भाइयों की है जिनमें एक भाई रोनी यानी टाइगर श्राफ अपने भाई बिक्रम यानी रितेश देशमुख की परछाई बनकर रहता है हर मुसीबत और हर परेशानी में रोनी बिक्रम की मदद करने कहीं से भी पहुंच जाता है रोनी और विक्रम के पिता यानी जैकी श्राप एक पुलिस अफसर थे एक हादसे में उनकी मौत हो जाती है लेकिन मरने से पहले औरोनी रोनी को कहता है कि हमेशा वह बिक्रम की देख करेगा अपने पिता के आखिरी लफ्ज़ों को पत्थर की लकीर की तरह मानते हुए रानी हर कदम पर बिक्रम को बचाता है एक दिन बिक्रम को पुलिस में भर्ती होने का मौका मिलता है जिसे वह मना कर देता है बिक्रम का कहना है कि वह गुंडों के सामने खड़ा तक नहीं हो पाता जबकि रोनी अकेले ही गुंडों की धुलाई कर देता है इसलिए उसे पुलिस में भर्ती होना चाहिए पर रोनी के समझने पर कि उसके ऊपर तैंतीस केस चल रहे हैं जिस वजह से वह पुलिस में भर्ती नहीं हो सकता बिक्रम मान जाता है आगरा के जिस एरिया में बिक्रम की पोस्टिंग होती है वहाँ आई नाम का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है आई देश के अलग अलग शहरों से फैमिलीज किडनेप करता है और उन्हें सीरिया भेजता है एक दिन विक्रम को आई के अड्डे पर छापामारी करने का ऑर्डर मिलता है वह डर जाता है लेकिन रॉनी के साथ मिलकर वह किडनैप किए गए फैमिली को बचा लेता है अब वह आगरा का कॉप बन चुका है कुछ समय बाद बिक्रम को विदेश मंत्रालय की ओर से सीरिया जाकर किसी मामले की जांच पड़ताल के लिए भेजा जाता है विक्रम सीरिया जाता है लेकिन वह आई पी एल के कहने पर उसे सीरिया के सबसे बड़े आतंकवादी समूह अबू जला के आदमी पकड़ लेते हैं वह विक्रम असली ख़तरे में है दरअसल अबू जलाला उस आतंकवादी समूह का सरदार है जो फिदायनी हमले करवा कर सीरिया और पूरी दुनिया में दहशत फैला रहा है अब उसे बचाने उसका भाई रोनी सात समंदर पार भारत से सीरिया जाता है उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड और विक्रम के साली सिया निश्रद्धा कपूर भी जाती है विक्रम तक तो पहुंचना रोनी के लिए आसान नहीं है अब फिल्म में देखना यह है कि वह अपने भाई को बचा पाता है या नहीं टाइगर श्राफ रोनी के किरदार में सही लगे हैं उनकी एक्टिंग भी ठीक ठाक रही देखा जाए तो फिल्म में इमोशनल ट्विस्ट लाने की कोशिश जरूर की गई है जो कि कहीं से भी इमोशनल नहीं है तो टाइगर में भी इस इमोशनल एक्सप्रेशन की कमी नज़र आई रितेश देशमुख श्रद्धा कपूर विक्रम के पत्नी रुचि के रोल में अंकिता लोखंडे सभी ने ठीक ठाक एक्टिंग की इनके अलावा विजय शर्मा जयदेव अहलावत ने भी अपने रोल के मुताबिक ठीक ठाक एक्टिंग की है फिल्म का डायरेक्शन पार्ट कमज़ोर रहा कुछ सरल कहानी वाले फिल्मों से अगर तुलना करें तो बागी थ्री को बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता था लेकिन कहीं ना कहीं बागी टू जैसी एक्शन हिट के बाद डायरेक्टर अहमद खान ने बागी थ्री में भी एक्शन को मेन कोर्स बना दिया इस वजह से फिल्म में कई जगह एक्शन का ओवर नज़र आ रहा है आर्मी हेलीकॉप्टर्स टैंकर्स के बीच टाइगर शराफ का एक्शन सीकवेंस बिना वजह के लगे एक्शन ड्रामा बागी थ्री में आपको सिवाय एक्शन एक्शन और एक्शन के और कुछ नहीं मिलेगा फिल्म में भाई भाई के रिलेशन का आपको इमोशनल धोखा मिलेगा हाँ एक्शन के अलावा आपको फिल्म में टाइगर शराब का भी ओवर देखने को मिलेगा ऐसा लगता है जैसे बागी थ्री सिर्फ टाइगर के शोकेस के लिए ही बनाई गई है बागी सीरीज की सफलता से इसके निर्माता इतने उत्साहित हो गए कि चार साल में सीरीज की तीसरी फिल्म आ गई लोकप्रियता का फायदा उठाने के चक्कर में बागी त्रित जल्दबाजी का शिकार नजर आती है यह कुछ ऐसा ही है कि बाजार में मांग को देखते हुए फल को पेड़ पर पकने से पहले ही तोड़ लिया जाता है तो उसे फिर स्वाद की उम्मीद कैसे की जा सकती है बागी की सफलता के पीछे इसके एक्शन सीन रहे हैं और बागी थ्री में सिर्फ एक्शन पर ही ध्यान दिया गया है लेकिन एक्शन के बीच जो कहानी रखी गई है वो बहुत ही कमजोर है कहानी की नींव कमज़ोर रहने के कारण एक्शन की इमारत टिक नहीं पाती और फिल्म दर्शकों का मनोरंजन नहीं कर पाती घायल में सनी देओल अपने भाई को ढूंढने के लिए निकलते हैं गदर में सनी देओल अकेले पाकिस्तान से टकरा जाते हैं यह बातें आपको बागी थ्री देखते समय याद आ जाती है इन फिल्मों के हाईलाइट पॉइंट्स को किसी तरह जोड़कर बागी थ्री की कहानी तैयार की गई है एक दक्षिण भारतीय फिल्म से भी प्रेरणा ली गई है लेकिन इन फिल्मों में एक्शन के पीछे जो इमोशन और एंटरटेनमेंट था वो बागी थ्री में नदारद है प्रेरणा लेकर भी साजिन नडियाडवाला ढंग की कहानी लिखने में असफल रहे रोनी यानी टाइगर श्राफ अपने बड़े भाई विक्रम यानी रितेश देशमुख से बहुत प्यार करता है मरते समय दोनों के पिता छोटे भाई को बोलते हैं कि बड़े भाई का ख्याल रखना अब ऐसा क्यों क्योंकि बड़ा भाई बहुत ही सीधा साधा और डरपोक किस्म का है विक्रम पुलिस में भर्ती हो जाता है गुंडों से डरता है लेकिन छोटा भाई रोनी गुंडों की ढुलाई करता है और नाम विक्रम का होता है सरकार खुश होकर विक्रम को एक मिशन के तहत सीरिया पहुंचाती है विक्रम का अपहरण हो जाता है अपराहड़ करता बहुत ही खतरनाक लोग हैं वे नहीं जानते हैं कि उन्होंने रोनी से पंगा लिया है रोनी फ़ौरन सीरिया के लिए रवाना होता है रोनी का एक ही मिशन है कि, कि किसी भी तरह अपने भाई को छुड़ाना जो भी रोनी और विक्रम के बीच आएगा वह उसे ख़त्म कर देगा अपने भाई को सुरक्षित वापस लाने के लिए रोनी तबाही मचा देता है फिल्म की शुरुआत इटीस के दशक की फिल्मों की तरह होती है बचपन की मारामारी दिखाई जाती है फिर बच्चे बड़े होते हैं रितेश देशमुख ने सीधा साधा देखने के लिए जिस तरह की एक्टिंग की है वो बहुत ही बचकानी है कुछ ज़्यादा ही कोशिश उन्होंने कर दी है जिससे विश्वसनीयता खत्म हो जाती है भाईचारा इंटरल तक खींच गया है और यह बेहद बोरिंग है रानी के सीरिया पहुंचने तक लेखक और निर्देशक के पास दिखाने को कुछ नहीं था और कहानी आउटर में खड़ी रेलगाड़ी की तरह रुकी हुई लगती है रानी अब सीरिया पहुंचता है जो फिल्म में थोड़ी स्पीड आती है क्योंकि एक्शन ड्राइविंग सीट पर आता है लेकिन लॉजिक के अभाव में ये भी ज़्यादा प्रभावित नहीं करता सीरिया पहुँच कर जिस आसानी से अपने भाई को खोज लेता है उसमें बिल्कुल रोमांच नहीं है सब कुछ आसानी से हो जाता है रानी अकेला ही सैकड़ों से भिड़ जाता है हजारों गोलियां, हेलीकॉप्टर टैंक गोला बारूद मशीन गन उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते एक्शन को इतना ओवरडोज कर दिया गया है कि मजा ही नहीं रह जाता फिल्म के बिलन भी पावरफुल नहीं लगते इसलिए रानी की उनसे टक्कर एकदम फेंकी लगी है सीरिया के विक्रम को उठा ले जाने वाली बात बिल्कुल भी नहीं जमती पहले आप में एक्शन सीन कम है और इससे एक्शन देखने आए दर्शकों को थोड़ी निराशा होती है कॉमेडी सीन और गाने ब्रेक का काम करते हैं क्लाइमैक्स का एक्शन भी बांध कर रखता है बागी थ्री देखते समय यह बात बार बार महसूस होती है कि फिल्म बहुत लंबी है और यह फीलिंग फिल्म के लिए अच्छी बात नहीं है फिल्म के संवादों में दम नहीं है श्रद्धा कपूर द्वारा बोले गए संवाद को अत्यंत घटिया माना जा सकता है गानों के मामले में फिल्म कंगाल है और पुराने गानों का सहारा लिया गया है एक्शन सीन फिल्म का प्लस पॉइंट है और इनमें अच्छा खासा पैसा भी खर्च किया गया है निर्देशक अहमद खान को बड़ा शटअप और स्टार्स मिले लेकिन वे उनका पूरा उपयोग नहीं कर पाए वे फिल्म को मनोरंजक नहीं बना पाए और न ही इमोशंस ही पैदा कर पाए आधे से ज़्यादा काम एक्शन डायरेक्टर्स ने किया है हिंदू मुस्लिम भाई भाई और हिंदुस्तानी पाकिस्तानी एक जैसे होते हैं वाली बातें फिल्म में फिट नहीं बैठती हैं टाइगर श्राफ एक्शन सीन में जबरदस्त रहे हैं लेकिन इमोशंस में पीछे रह जाते हैं जब जब उनके एक्शन सीन स्क्रीन पर आते हैं फिल्म की पकड़ मजबूत हो जाती है श्रद्धा कपूर का रोल खराब तरीके से लिखा गया है और उनका अभिनय औसत रहा है रितेश देशमुख नकली लगे हैं जयदीप अहलावत की एक्टिंग बढ़िया है विजय वर्मा ने ओवर एक्टिंग की है दिशा पाठ ने एक गाने और जय की शराब चंद दृश्यों में दिखाई दिए हैं बागी थ्री में चंद बढ़िया एक्शन सीन देखने की कीमत बहुत सारी उबाउसीन देख कर चुकानी पड़ती है और यह बहुत ज़्यादा है यह सच है कि हिंदी फिल्मों में एक्शन की तूती बोलती है और आमतौर पर किसी बदले की भावना या करीबी रिश्ते के लिए फिल्मी पर्दे पर मार धाड़ करते हीरो द्वारा जब बिलन या गुंडों की धुलाई होती है तो ऑडियंस खूब इंजॉय करती है निर्देशक अहमद खान ने भी भाई को बचाने वाले और दहशत गर्दी के खिलाफ खड़े होने वाले हीरो के जरिए हैरत अंगसन का नजराना पेश किया गया है मगर थोड़ी सी कहानी पर मेहनत हो जाती तो बात ही कुछ और थी दंगों में आम लोगों को बचाने के चक्कर में अपनी जान की बाजी लगाकर शहीद हो चुका इंस्पेक्टर चतुर्वेदी यानी जैकी शराब मरते हुए अपने बेटे रोनी यानी टाइगर शराब पर अपने छोटे बेटे बिक्रम यानी देश रितेश देशमुख की जिम्मेदारी सौंप कर जाता है बस उसके बाद हालात ऐसे होते हैं कि जब भी विक्रम पर कोई तिरछी निगाह डालता है रोनी का खून खोल उठता है और वह सामने वाले की हड्डी पसली एक कर देता है भाई के भविष्य को संवारने के लिए रॉनी आगरा में उसे पुलिस की नौकरी करने को प्रेरित करता है वहाँ वह ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जाल को तोड़ने में बिक्रम की मदद भी करता है इस ग्रोह से कई लोगों को छुड़ाने वाला बिक्रम विभाग का हीरो बन जाता है और उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के असली सरगना को पकड़ने के लिए सीरिया भेजा जाता है सीरिया में खुखार दहशत गर्ग अबू जलाल गाजा यानी जमील खोरी विक्रम को बंदी बना लेता है तब रोनी अपनी मासूका श्रद्धा कपूर के साथ सीरिया आधमकता है उसे अपने भाई को किसी भी हाल में बचाना है निर्देशक अहमद खान ने पूरी कोशिश की है कि इसमें एक्शन का डोज बागी टू से ज़्यादा स्ट्रांग हो और इसके लिए उन्होंने मारधाड़ के दृश्यों को दमदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है मॉल या रास्ते के आम फाइट सीन हो या हेलीकॉप्टर अथवा सेना के टैंक के बीच का एक्शन सब कुछ हॉलीवुड फिल्म जैसा लगता है मगर स्टोरी और स्क्रीन प्ले के मामले में वे मार खा गए हैं श्रद्धा कपूर के किरदार के जरिए कॉमेडी तो रितेश के माध्यम से इमोशन पर तड़का लगाया गया है कई फनी हैं जो हंसाते भी हैं मगर फिल्म में एट्टी नाइनटीन के दशक की रिवेंज फिल्म, फिल्मों का फेल फिल्म बना रहता है क्लाइमैक्स के एक्शन सीक्वेंस सांस रोक देते हैं मगर वह काफ़ी खींच गया है और उसमें मोलोड्रामा भी कम नहीं है फिल्म की लंबाई कम की जा सकती थी संताना कृष्णानंदन रविचंद्रन की सिनेमाटोग्राफी देखने लायक है विचाल शेखर के संगीत में दस बहाने करके ले गए दिल खूब पसंद किया जा रहा है रेडियो मिर्ची के टॉप ट्वेंटी की लिस्ट में यह गाना पाँचवें पायदान पर बज रहा था अन्य गाने बस ठीक ठाक से हैं आइटम सॉन्ग लव मी में दिशा पटानी ने गजब के डांस मूव्स दिखाए हैं रोनी के रोल में टाइगर हर तरह से फिट बॉडी के साथ जब वह सॉर्टलेस होकर एंट्री मारते हैं तो ऑडियंस ऑडियंसिटी बजाने लगती है वन वन आर्मी के रूम में सीरिया जाकर जैस ए लश्कर जैसे आतंकवादियों को धूल चटाते हुए कंसन लगे हैं उनकी संवाद अदायगी में भी सुधार हुआ है श्रद्धा खूबसूरत और ग्लैमरस लगी हैं उन्होंने कॉमेडी भी की है मगर उन्हें स्क्रीन पर कुछ ज़्यादा करने का मौका नहीं मिला रितेश ने भोले भाले और डरपोक लड़के का रोल तो अच्छा किया मगर कहानी के चरित्र को सही ढंग से बुना नहीं गया अंकिता लोखंडे की भूमिका को भी विस्तार नहीं दिया गया मुख्य बिलन अबू जलाल के रूम में जमील खोरी फनी और ख़तरनाक लगे हैं मगर दूसरे बिलन जम नहीं पाए विजय वर्मा और जयदीप अहलावत ने अपने किरदारों को ठीक ठाक निभाया है टाइगर श्राफ जब सफलता के लिए तरस रहे थे तो बागी उनके लिए बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस फार्मूला लेकर आई थोड़ा रोमांस कुछ अच्छे वन लाइनर हिट होने वाले गाने दर्शकों को लुभाने वाला डांस और दम रोककर देखने वाला एक्शन बागी के बाद बागी टू बॉक्स ऑफिस पर और शानदार रही और अब वह बागी थ्री के साथ आए हैं वही सेट चीज़ों के साथ ट्रेलर में उनका एक्शन देखकर इससे फैन ने ब्लॉक बास्टर करार दिया था तड़का दिशा पाटनी के आइटम नंबर से भी लिया गया था तभी बागी तीन से बीस करोड़ के ऊपर की ओपनिंग की उम्मीद लगाई जा रही थी तो क्या टाइगर श्राफ की फिल्म में वो दम था आइए जानते हैं बागी थ्री दो भाइयों की कहानी है रोनी यानी टाइगर श्राफ और बिक्रम यानी रितेश देशमुख बड़ा भाई अक्सर समस्याओं में फंस जाता है और छोटा भाई उसकी मदद के लिए आता है यानी डायरेक्टर अहमद खान ने एक्शन का पूरा स्कोप निकाला है जब हालात की वजह से बिक्रम पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेता है तब भी रोनी उसकी मदद करता है आगरा में सेट की गई इस कहानी में एक्शन का पूरा स्कोप है वैसे इसमें कॉमेडी का टच देने की कोशिश की गई है लेकिन आप चाहे कर भी हंस नहीं पाते श्रद्धा कपूर को बबली कैरेक्टर दिया गया है लेकिन खूबसूरत दिखने के बावजूद कुछ ऐसा जिससे उनका किरदार पर्दे पर सहज नहीं लगता वही इसी के साथ सीरिया में भी एक पैरेलल ट्रैक चल रहा है इससे सेकंड हाफ के मजबूत होने का इशारा मिलता है विक्रम को एक मिशन के तहत सीरिया भेजा जाता है लेकिन वहाँ भी वह फंस जाता है जब रोनी को सीरिया जाकर अपने भाई को बचाता है और यहाँ दर्शक सिटी ओबाऊ एक्शन सीन पर्दे पर देखते हैं टाइगर श्राफ इस समय बॉलीवुड में सबसे अच्छी बॉडी और बेहतरीन स्टंट करने वाले हीरो हैं डायरेक्टर अहमद खान ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए बागी थ्री बनाई टाइगर का स्वैग उनका डांस उनकी बॉडी उनका एक्शन बस यही बागी थ्री है अहमद खान ने अच्छा एक्शन डिजाइन किया है लेकिन कैमरा वर्क उतना शानदार ना होने से ये उम्मीद के मुताबिक प्रभावी नहीं बन पाया है टाइगर के लुक्स बॉडी और एक्शन में खुद को बहुत ग्रूम किया है लेकिन इमोशनल सीन में वह अभी पहली फिल्म जैसे ही हैं यही वजह है कि लोग उनके गुस्से और एक्शन को रिलेट नहीं कर पाते श्रद्धा कपूर के पास ज़्यादा स्क्रीन स्पेस इस नहीं है तो उन्होंने फैंस गानों में उनकी अदाएँ देखकर खुश हो सकते हैं रितेश देशमुख का कैरेक्टर इतना स्लो मैन क्यों है इसका जवाब भी फिल्म की कहानी नहीं दे पाती लिहाजा उनके रिएक्शन को दर्शक पहचान नहीं पा रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी कमी है कमज़ोर स्क्रिप्ट जिसमें एक्शन सीन छोड़ दिए जाएँ तो बाकी वक्त कुर्सी पर टिक कर बैठना मुश्किल हो जाता है दो पुराने और एक इंटरनेशनल रिमिक्स बावजूद इसके बागी थ्री के गाने पर्दे पर निराश करते हैं गनीमत यही है कि इसमें बहुत ज़्यादा गाने ठूसे नहीं गए हैं वरना दर्शकों को एक राउंड पॉपकॉर्न खरीदने का टाइम आसानी से मिल जाता हाँ दिशा पट दिसा पटानी का हार्ट अवतार जरूर ध्यान खींचता है कुल मिलाकर अगर आप जबरदस्त एक्शन के साथ मॉस्ट एंटरटेनर अपील वाली फिल्म देखना चाहते हैं तो बागी थ्री आपको प्रभावित ना करे तो निराश भी नहीं करेगी टाइगर श्राफ और श्रद्धा कपूर एक बार फिर से बागी सीरीज लेकर आए थे बागी थ्री को देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड थे कहा जा रहा था कि देश दुनिया में फैली कोरोना वायरस की बीमारी से बागी थ्री भी इफेक्ट हो सकती थी हो सकता है कि इस डर से सिनेमाघरों में लोग फिल्म को देखने भी ना आए लेकिन टाइगर के फैंस लगातार इस फिल्म को देखने के लिए पहुंचे थे फिल्म के प्लॉट की अगर बात करें तो टाइगर और रितेश दो भाई हैं फिल्म में रितेश देशमुख बेहद अहम भूमिका में होंगे रितेश टाइगर के भोले भाले भाई की भूमिका में हैं जिसे कभी भी कोई कुछ कह दे तो दर्द टाइगर को होता है ट्रेलर में दिखाया गया है कि एक बार भाई को कोई थप्पड़ मारता है उसके बाद टाइगर गुंडों का बहुत बुरा हाल करते हैं वही एक वक्त ऐसा आता है जब भाई को सीरिया जाना पड़ता है काम से इस बीच कुछ ऐसा होता है कि भाई कभी वापस देश नहीं लौटता वही टाइगर अपने भाई को ढूंढने और बचाने निकल पड़ता है फिल्म में टाइगर श्राफ ने मैन टू मैन लड़ते भिड़ते दिखेंगे वही मशीनों और नेचर से भी टाइगर की तगड़ी टक्कर होगी टाइगर एक इंटरव्यू में बताते थे कि इस फिल्म में वह इंसान के अलावा हेलीकॉप्टर और टैंक से भी लड़ रहे हैं ट्रेलर में फाइटिंग और एक्शन सीन्स दिखाए गए उनमें से ज़्यादातर लाइव किए गए बहुत कम ऐसे सीन्स हैं जिनमें बेफेक्स का इस्तेमाल हुआ है बाकी थ्री में ऐसे कई तरह के झोल हैं और इसी वजह से इसका जज्बाती पहलू कमज़ोर हो गया दूसरे शब्दों में कहें तो फिल्म में मारपीट और धूम धड़ाम से तो ज़बरदस्त है लेकिन दिल को छू लेने वाले लम्हे कम हैं फिल्म पूरी तरह से टाइगर शराब के कंधे पर टिकी है रानी के रूम में टाइगर कुछ कुछ सलमान खान वाले किरदार टाइगर की तरह दिखते हैं यानी उनका एक्शन पर पूरी तरह से टाइगर नहीं बल्कि सलमान खान हावी रहे हैं सीरिया में मुख्य खलनायक की भूमिका इसराइली कलाकार जमील खैर ने निभाई है और उसमें एक खास किस्म का ड्राउनापन है इस फिल्म में भारतीय में खलनायक की भूमिका में जयदीप अहलावत हैं उनका किरदार रहस्य में लिपटा हुआ है वह रहस्य देर से उजागर होता है धांसू किस्म की एक्शन फिल्म है टाइगर श्राफ एक दमदार एक्शन हीरो के रूप में पहले ही उभर चुके हैं इस नई फिल्म में से वे इस पहलू को एक और बुलंदी पर ले गए थे और तीन तीन खलनायकों को चटाते नजर आते हैं इनमें से दो तो विदेशी हैं और एक देसी इस फिल्म में कई सारे इमोशन सीन में टाइगर श्राफ कहीं ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं दीतेश देशमुख एक समर्थ अभिनेता हैं वह अपनी जगह हर कहीं तलाश कर लेते हैं विक्रम के किरदार में उनसे बेहतर कुछ नहीं हो सकता तरण आदर्श ने टाइगर श्राफ की फिल्म को देखने के बाद फिल्म की काफ़ी तारीफ की है फिल्म को साढ़े तीन स्टार्स मिले हैं वन आर्ड में फिल्म को एंटरटेनर कहा गया है फैंस कह रहे थे कि फिल्म धमाकेदार एक्शन वाली फिल्म है कई लोग अपील कर रहे थे कि जिन्हें एक्शन पसंद है वह बागी थ्री ना छोड़े और एक फैन बोलता है फिल्म कम से कम दो करोड़ कमा लेगी श्रद्धा कपूर ने एक बागी थ्री को लेकर एक ट्वीट शेयर किया था श्रद्धा श्रद्धा लि... ने लिखा था बागी के साथ बहुत ही खूबसूरत जरना है मेरी लेकिन अभी लड़ाई लड़नी बाकी है एक्शन पैक्स बागी थ्री सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है गली बाय से लोकप्रिय हुए अभिनेता विजय वर्मा का दावा है कि बागी थ्री में उनका किरदार देख दर्शक चौंक जाएंगे टाइगर श्राफ और श्रद्धा कपूर स्टार फिल्म में अपने किरदार को लेकर वर्मा ने कहा मेरा किरदार एक ऐसे व्यक्ति का है जो टाइगर को उनके भाई से मिलाने में मदद करता है यह किरदार काफ़ी दिलचस्प है जिसे से दर्शक चौंक सकते हैं टाइगर और श्रद्धा की पहली फिल्म बागी ने ग्यारह करोड़ रुपए की कमाई की थी और अठहत्तर करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था दिशा पटानी ने बागी टू में टाइगर के साथ एंट्री की जिसने की पहले दिन 25 करोड़ रुपए की कमाई की और कुल एक रुपए का एक करोड़ रुपए का कारोबार किया था ट्रेलर को भी दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया था टाइगर का एक्शन और उनका रिएक्शन देखकर फैंस क्रेजी हो रहे थे वही टाइगर की डायलॉग डिलीवरी भी जबरदस्त है फिल्म बागी टू के बाद से ही बागी थ्री का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था बागी थ्री ने तानाजी को पीछे छोड़ दिया था टाइगर की फिल्म की एडवांस बुकिंग धड़ाधड़ कहा जा रहा है कहा जा रहा था कि टाइगर की फिल्म को लेकर लोग इतने एक्साइटेड थे कि एडवांस बुकिंग धड़ाधड़ हो रही थी कई एनालिस्ट के मुताबिक तानाजी का रिकॉर्ड बागी थी तोड़ सकती थी कोमल नहटन ने ट्वीट कर कहा था कि यूपी दिल्ली में ऐसे कई सिनेमाघर थे जहां बागी थ्री परफॉर्म नहीं कर पाएगी इस वजह अक्षय कुमार और सलमान खान हो सकते हैं बागी थ्री टाइगर श्राफ की सुपरहिट फ्रेंचाइजी है जिसका एक्शन हर बार नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है लेकिन कहानी उसके साथ एक लेवल नीचे आ जाती है ऐसा ही कुछ अहमद खान के डायरेक्शन वाली बागी थ्री के लिए भी कहा जा सकता है टाइगर श्राफ श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख की फिल्म में एक्शन जहाँ जबरदस्त अंदाज में नजर आता है वही कहानी ने फिल्म की जान ही निकाल कर रख दी है टाइगर श्राफ का खतरनाक अंदाज़ श्रद्धा कपूर का ग्लैमरस लुक और रितेश देशमुख का डर भरा चेहरे के साथ ताबड़तोड़ एक्शन यही बागी थ्री की जमा पूंजी है बागी थ्री की कहानी यार रॉनी यानी टाइगर श्राफ और उसके भाई बिक्रम यानी रितेश देशमुखी है रॉनी बेशक उम्र में छोटा है लेकिन वह बिक्रम का रक्षक है बिक्रम को खरोच भी आए तो रॉनी सामने वाले के खून की नदियाँ बहा देता है एक दिन जिंदगी में कुछ ऐसा यू तूफान आता है कि रॉनी को विक्रम को बचाने के लिए सीरिया जाना पड़ता है और यह उसका मुकाबला किसी एक दुश्मन नहीं बल्कि एक देश के साथ है इस तरह डायरेक्टर ने एक्शन का तूफान लाने की कोशिश की है अहमद खान ने टाइगर की शानदार बॉडी हैरत अंगेज स्टंट और बेजोड़ फाइटिंग का जबरदस्त कॉकटेल पेश किया है लेकिन इस चक्कर में वह कहानी का नमक फिल्म में सही से डालने में चौक गए और यही बात फिल्म के लिए सबसे कमजोर बनकर सामने आती है हालांकि एक्शन देखकर भी कई हॉलीवुड फिल्म की याद आ जाती है बागी थ्री में एक्टिंग की बात करें तो टाइगर श्राफ एक्शन किंग है वार और बाटों में अपने हाथ अच्छी तरह से दिखा चुके हैं इस बार भी वह जोरदार एक्शन अंदाज में हैं और रानी के सिक्स पैक्स एप्स चेहरे पर किसी को भी चटाते समय कोई भाव ना आना फिल्म में उनकी खासियत है लेकिन कमजोर डायलॉग्स और कहानी सारे किए गए किराए पर पानी फेर देते हैं श्रद्धा कपूर के लिए कुछ एक्सपेसनल नहीं है जितना काम उन्हें मिला है सही से किया है रितेश देशमुख भी ओके हैं और कुछ भी यादगार नहीं कर पाते बागी थ्री का म्यूजिक एवरेज है कहानी कमज़ोर है डायलॉग भी बेहद बचकाने हैं इस तरह बागी थ्री में अगर कुछ देखने वाला है तो वह सिर्फ टाइगर श्राफ के एक्शन हैं, और उनके एक्शन को लेकर ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग भी है फॉक्स स्टार स्टूडियोज की कमान भले अब डिज्नी के हाथों में आ गई हो लेकिन इस फेरबदल के पहले कंपनी में फिक्स हो चुकी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर पहुंचना जारी है साजिद नडियाडवाला ने एक कहानी सोची फरहाद सामजी ने उस पर एक बेसिर पैर की पटकथा लिख दी और फॉक्स स्टार ने साजिद की चाबी से अपनी तिजोरी खोल दी बस बागी सीरीज की यह तीसरी फिल्म बस इतनी ही है कोरियोग्राफर से फिल्म निर्देशक बने अहमद खान भले अपने इंटरव्यू में कह चुके हों कि उनके रचे एक्शन में जान है लेकिन एक्शन का दर्शक क्या है क्या करे जब फिल्म में भी जान नहीं है भारतीय संस्कृत में बड़े भाई का जो दर्जा रहा है वह हिंदी सिनेमा में भी अब तक अपनाया ही है यह इसका उल्टा है बड़ा भाई तो भले पुलिस अफसर लेकिन मुसीबत आती है तो छोटा भाई अब बचाने उसे पहुंच जाता है बात दर्शकों को हजम नहीं होती अपनी धरती पर तो छोटा भाई बड़े को बचाता ही रहता है पर सीरिया भी पहुंच जाता है आतंकवादियों की पूरी फौज से लोहा लेने भाई भाई के प्रेम पर हिंदी सिनेमा में सैकड़ों फिल्में बनी हैं लेकिन ये फिल्म किसी गिनती में नहीं आती रणबीर प्रताप और विक्रम प्रताप की इस कहानी की नायिका का नाम लेखकों की टीम ने सिया रखा है क्यों वही जाने क्योंकि सिया फिल्म में ना भी हो तो कहानी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला हिंदी सिनेमा में टाइगर श्राफ पिछले छह साल से दो घर आगे चार घर पीछे वाली चाल चल रहे हैं बागी हिट होती है तो फ्लाइंग जट और मुन्ना माइकल उनकी ब्रांड वैल्यू धो देती है बागी टू हिट हुई तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू ने उनका हिसाब बिगाड़ दिया इस बार बागी थ्री की रिलीज हो जाने से पहले ही वार हिट हो गई और फ्लाप फ्लाप वाले घर में बागी थ्री पहुँच गई करीब सत्तर करोड़ रुपए में बनी बागी थ्री अकेले भारत में करीब साढ़े चार हज़ार स्क्रीन पर शुक्रवार की सुबह से दिखाई जा रही थी लिहाजा ओपनिंग तो लगनी ही थी लेकिन इतवार के बाद फिल्म का हाल बेहाल हो सकता था फिल्म की सबसे कमज़ोर कड़ी इसकी कहानी है जो आठ साल पहले रिलीज हुई तमिल फिल्म वेट्टाई से ली गई है साजिद ने इस देसी कहानी का एक सिरा लेकर जाकर सीरिया से बांधा और वही फिल्म का लोकल कनेक्ट खत्म हो गया निर्देशक के मामले में भी फिल्म काफ़ी कमज़ोर है अहमद खान फिल्म के किसी भी किरदार को कायदे से गढ़ नहीं पाए हैं टाइगर श्राफ पूरी फिल्म में इतना चेकते चिल्लाते हैं कि इस दुनिया के लगते ही नहीं रितेश देशमुख फिल्म की कथा प्रतिक्रिया को उत्प्रेरक के तौर पर रखे गए और सब उतना ही काम से करते हैं श्रद्धा कपूर का इस तरह से रोल करना उनके करियर को कोई फ़ायदा पहुंचाता नहीं दिखता है हाँ जमील खौरी की मौजूदगी पर्दे पर खौफ कायम करने में कामयाब होती है लचर कहानी निशाने से भटके निर्देशन के अलावा फिल्म का गीत संगीत भी दर्शकों को बोर करता है रिमिक्स गाने डाल डालकर फिल्म निर्माता भले यूट्यूब पर इन गानों के व्यूज पा लेते हैं लेकिन फिल्म में गाने अब दर्शक को खटकने लगे हैं फिल्म के एक्शन सीन भी अहमद खान नहीं गढ़े हैं बस यही एक काम वाकई से कर पाए हैं हालांकि ज्यादातर एक्शन सीन्स किसी ना किसी हॉलीवुड फिल्म की याद दिलाते रहते हैं अमर उजाला मूवी रिव्यू में बागी थ्री को मिले थे तीन स्टार ये फिल्म सिर्फ उन लोगों के लिए है जो टाइगर शराफ के भक्त हैं टाइगर श्राफ को इंडस्ट्री में आए हुए महज छः साल हुए थे लेकिन उन्होंने अपने खतरनाक एक्शन डांस और अभिनय से बॉलीवुड में एक अलग मुकाम हासिल कर लिया था टाइगर की बागी फ्रेंचाइजी को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया गया इस फ्रेंचाइजी के पहले भाग बागी ने इसके दूसरे भाग बागी को बनाने के लिए प्रेरित किया बागी जबरदस्त हिट हुई और इसने बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ रुपए की कमाई की और इसके बाद मेकर्स मेकर्स ने बागी लाने का का फैसला किया बागी में, में एक्शन और विजुअल्स स्तर काफ़ी ऊंचा रखा उस हफ्ते रिलीज हुई बागी थ्री के दर्शकों को मनोरंजन करने में कामयाब हुई थी या अपने प्रयास में विफल रही थी आइए जानते हैं बागी थ्री एक आतंकवादी संगठन के खिलाफ एक आदमी की कहानी है रोनी टाइगर शराब विक्रम अनी रितेश देशमुख का एक छोटा भाई है उसके पिता चरण चतुर्वेदी यानी जैकी शराब पुलिस में थे जो कि मर चुके हैं चरण को पता है कि रोनी उसके दोनों बेटों से ज्यादा बहादुर है इसलिए वह विक्रम का ख्याल रखने के लिए रोनी से वादा लेता है दोनों बड़े होते हैं विक्रम पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेता है और उसकी पोस्टिंग आगरा में लोहा मंडी पुलिस स्टेशन में होती है अपनी ड्यूटी के पहले दिन बाजवा नामक एक गुंडे ने लोहा मंडी पुलिस स्टेशन परिसर के अंदर एक व्यक्ति को आग लगा दी थी बाजवा ने वरिष्ठ आई पी एल यानी जयदीप अहलावा सामने आकर दोषी को बचा ले जाता है और पुलिस भी कोई केस फाइल नहीं करती है ऐसा इसलिए क्योंकि आई पी एल एक स्थानीय लोगों के साथ साथ पुलिस पर भी खौफ है आईपीएल का मुख्य व्यवसाय पूरे परिवारों का अपहरण करना है लेकिन वह फिरौती नहीं मांगता है इस, इसने हमेशा पुलिस को चमका चम, चकमा दिया है। पुलिस को पता नहीं है कि आईपीएल दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन जैसे लश्कर के नेता अबू जलाल गाजा के लिए काम करता है वे सीरिया से बाहर काम करते हैं और लगभग पूरे देश में अपना कब्जा जमा चुके हैं आगरा में लोहा मंडी पुलिस स्टेशन में अपहरण की शिकायत दर्ज होती है लेकिन वह कार्रवाई करने से डरते हैं इसलिए विक्रम को बलि का बकरा बनाने का फैसला करते हैं विक्रम घबरा जाता है और वह रोनी से मदद मांगता है रोनी आईपीएल की फैक्ट्री में विक्रम के साथ जाता है जहाँ अपहरणकर्ता लोगों को रखा जाता है रोनी आई के गुंडों को रोशनी बंद करके परेशान करता है और कोई मानता है कि उन्हें पीटने और बंधकों को बचाने के लिए विक्रम जिम्मेदार है वह रातों रात हीरो बन जाता है विक्रम इस बीच रुचिया ने अंकिता लोखंडे से शादी कर लेता है उसकी बहन सिया ने श्रद्धा कपूर है रोनी को डेट करना चाहती है जब तक विदेश मंत्रालय विक्रम को सीरिया नहीं भेजता तब तक जीवन अच्छा चल रहा है विक्रम पर आईपीएल को गिरफ्तार करने और उनके प्रत्यार्पण की प्रक्रिया को आसान बनाने की जिम्मेदारी दी है यह काफ़ी आसान काम लगता है विक्रम वहां पहुंचता है लेकिन यहां उसे अबू के आदमी के उसका अपहरण कर लेते हैं कोई विकल्प न होने के कारण रोनी अब सीरिया जाने का फैसला करता है इसके बाद आगे क्या होता है, यह आगे की फिल्म को देखने के बाद पता चलता है बाकी थ्री आंशिक रूप से 2012 की तमिल हिट फिल्म बेटाई से प्रेरित है साजिद नडियाडवाला की कहानी मनोरंजक है लेकिन एक कमजोर कथानक पट की है पहराज सामजी की पटकथा केवल फर्स्ट हाफ में प्रभावी है एक्शन और स्थिति के लिहाज से फिल्म में थोड़ा नयापन है और यह दिलचस्पी को बनाए रखता है फरहा सामजी ने संवाद बहुत ही मनोरंजक और मजा किया है अहमद खान का निर्देशन औसत है यह वह इस पैमाने की फिल्म को बहुत ही बारीकी के साथ हैंडल करते हैं बागीटो ने राष्ट्रवाद पर अधिक ध्यान केंद्रित किया लेकिन यह ऐसा नहीं है लेकिन इसमें भारत पाकिस्तान भाईचारे पर एक अच्छी टिप्पणी की गई है निर्देशक ने फिल्म की गति को अपने कंट्रोल में रखा है जिससे जरा भी फिल्म खींची सी नहीं लगे और फर्स्ट हाफ में उनका निर्देशन ठीक है लेकिन सेकंड हाफ में फिसल जाते हैं सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि रोनी ऐसा नहीं लगता कि रोनी किसी देश के खिलाफ है इसके अलावा वह वास्तव में एक देश ही नहीं था बल्कि एक टाउनशिप थी जिसे मेकर्स चाहते हैं कि दर्शक एक देश के रूप में माने बागी थ्री की शुरुआत थोड़ी अजीब होती है बच्चे के रूम में रोनी एक बड़े बच्चे को हीरो स्टार में पेटता है जो कि समझ के परे लगता है हालांकि चतुर्वेदी की मौत का सीन एक अच्छा इमोशनल पल लेकर आता है सिया की एंट्री काफ़ी मज़ेदार है जबकि वयस्क रानी के मज़ेदार सीन हैं जिन्हें फैंस द्वारा पसंद किया गया था अब जलाल गाजा के दृश्य सतही लगते हैं लेकिन शुक्र हाँ है कि फर्स्ट हाफ में काफ़ी मज़ेदार हैं फिल्म में ह्यूमर का अच्छा ह्यूमर का हिस्सा अच्छे से मैनेज किया गया है वह सीन जहाँ आई के पुरुषों ने रानी का अपहरण किया और बाद में जिस तरह से डरने का नाटक किया वह प्रफुल्लित करने वाला है और फिर विक्रम और त्रिपाठी यानी ब्रेन सक्सेना को लेकर एक भावनात्मक सीन सामने आता है इंटरमिशन पॉइंट तब होता है जब विक्रम को ले जाया जाता है इसके बाद लगता है कि अब सेकंड हाफ में कुछ रोमांचक देखने को मिलेगा खासकर रानी सीरिया जाएगा इत्याद अख्तर लाहौर यानी विजय वर्मा का परिचय भी फिल्म में फन जोड़ता है लेकिन यहाँ से चीजें काफी समस्या परे लगने लगती हैं खासकर जिस तरह से रोनी अब्बू जलाल की पूरी सेना को आसानी से हरा देता है यदि काफ़ी खतरनाक लगता है लेकिन इतनी आसानी से ख़त्म हो जाता है यह मूर्खतापूर्ण है क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट है जो दर्शकों को पसंद आ सकता है अभिनय की बात करें तो बागित्री पूरी तरह से टाइगर श्राफ के मजबूत कंधों पर टिकी हुई है और उम्मीद के मुताबिक वह इसमें जरा भी निराश नहीं करते हैं इसमें उनकी कॉमिक टाइमिंग भी देखने लायक है एक्शन के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं है और इस मामले में उनके फैंस का पूरा पैसा वसूल है श्रद्धा कपूर काफी खूबसूरत लगती हैं और शानदार प्रदर्शन देती हैं वह एक या दो सीन में थोड़ा ओवर लगती हैं लेकिन कुल है दूरभाषी भाषा बोलने रोल में एकदम चलती हैं हालांकि स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी काफी सीमित है अब क्योंकि यह फिल्म एक आक्रामक किरदार निभा रही है इसलिए आइडल एक्शन सीन में भी हाथ आजमाना चाहिए था रितेश देशमुख अपना किरदार बखूबी निभाते हैं और फिल्म में फन और मनडोज को जोड़ते हैं उन्हें क्लाइमैक्स में काफ़ी पसंद किया गया था और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ऐसा ही रोल अपने मराठी प्रोडक्शन फिल्म मौली जो कि 2018 में आई थी में निभाया था अंकिता लोखंडे को लिमिटेड स्कोप मिला है विजय वर्मा बहुत मनोरंजक लगते हैं जयदीप अहलावत पर उनका रोल जसता है और क्लाइमैक्स से ठीक पहले उनका अहम रोल जमील खुरे खलनायक के रूप में जचते हैं लेकिन और अधिक खोपना लग सकते थे ऐसे फौजी सौर मिश्रा बर्बाद हो जाते हैं वीरेंद्र सक्सेना हमेशा की तरह भरोसेमंद लगते हैं सतीश कौशिक कमिश्नर चटोरा और फरहाद शाम जी हंसी लेकर आए हैं मानो गोहिल शिव सर दानिश भट्ट इवान कोस्टा डिन्वा सुनीत मोरारजी अमित शर्मा और करट सिंह निष्पक्ष हैं जैकी शराब का कैमिया फिल्म में अच्छा योगदान देता है दिशा पटानी सिजलिंग लगाती हैं बागी थ्री का संगीत अच्छा है दस बहने टू पॉइंट ओ एक बेहतरीन रिमिक्स और ए, अं, अंत क्रेडिट में प्ले किया गया है ए, भंकस अच्छे से फिल्माया गया है डू यू मी निष्क्रिय है क्योंकि यहाँ एक फास्ट गीत की जरूरत थी गेट रेडी टू फाइट ए फाइटेड एक्शन दृश्यों के दौरान प्ले किया गया है तेरे जैसा यार कहाँ काम नहीं करता जूलियस पैकेज का बैकग्राउंड स्कोर हालांकि प्रभाव को बढ़ाता है ऐसा कहाँ सुना है कि भाई हम यहाँ से आवाज़ दे और कोसों दूर बैठा आदमी उसे सुन ले आलम तो यह है कि बगल में बैठे इंसान को भी दो बार आवाज लगाओ तो वह सुनेगा खैर बागी थ्री में दो भाइयों की बॉन्डिंग को बेस बनाया गया है जिसमें एक भाई फिजिकली वीक है और वह जब जब अपने भाई को आवाज़ देता है उसका भाई हाजिर हो जाता है एक्शन से भरपूर कहें या फिर कुछ ज़्यादा ही भरपूर बागी थ्री दो भाइयों की कहानी है बागी थ्री आगरा के बैकपुट पर सेट है यह कहानी दो भाइयों की है जिनमें एक भाई रोनी यानी टाइगर श्राफ अपने भाई बिक्रम यानी रितेश देशमुख की परछाई बनकर रहता है हर मुसीबत और हर परेशानी में रानी विक्रम की मदद करने कहीं से भी पहुंच जाता है रोनी और बिक्रम के पिता पितानी की शराब एक पुलिस अफसर थे एक हादसे में उनकी मौत हो जाती है लेकिन मरने से पहले वह रोनी को कहता है कि हमेशा वह बिक्रम की देख करेगा अपने पिता के आखिरी लफ्ज़ों को पत्थर की लकीर की तरह मानते हुए रॉनी हर कदम पर बिक्रम को बचाता है एक दिन बिक्रम को पुलिस में भर्ती होने का मौका मिलता है जिसे वह मना कर देता है विक्रम का कहना है कि वह गुंडों के सामने खड़ा तक नहीं हो